चलो लास्ट सेक्शंस को पहले रिवाइज कर दूं, उसके बाद आज जो एजेंडा लेके बैठे हैं पहले वो खत्म करेंगे, उसके बाद है ना। कुछ बच्चे कह रहे थे रिकॉर्डेड लेक्चर, तो मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड अपलोड हो गए हैं अब, है ना। पर इट डज नॉट मीन कि तुम लोग लाइव अटेंड ना करके रिकॉर्डेड करोगे अटेंड, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर से उतना ही समय लगना है बच्चों। वैसे भी मेरी स्पीड इतनी कम नहीं है कि तुम रिकॉर्ड में स्पीड बढ़ा सकते हो, समय तो तुम्हें उतना ही देना पड़ेगा। चलो तो वंशिका चैन, लास्ट लेक्चर में 196 और 203 खत्म कर लिया था, ठीक है। 196 में मैंने ये बता दिया था कि सबसे पहला क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों ही कंपनी में एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है, दैट इज अ वन थिंग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। बट क्या सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक एमसीक्यू में ये क्वेश्चन देखा जा सकता है कि अगर एक डायरेक्टर इनमें से कोई काम कर रहा है तो क्या उसे सब मैनेजिंग डायरेक्टर मानोगे क्या। दूसरा क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, एक बार में 5 साल के लिए मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है। फिर से अगर आप उसे रीअपॉइंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन नॉट अर्लियर देन 1 ईयर, नॉट अर्लियर देन 1 ईयर प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। तो जिस दिन उसका टेन्योर समाप्त हो रहा है उससे पहले के 1 साल में ही आप उसे लेकर आ सकते हो, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, कौन डिस्क्वालिफाइड होगा या कौन कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, मतलब जिसे वेकेट करना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया था कि 21 ईयर्स ऑफ एज से कम का है या 70 अटेंड कर चुका है, वह कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। 70 अटेंड कर चुका है बट कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, ध्यान रखिएगा। इधर एसआर पास कर दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और एसआर पास नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास ओआर पास करके जनरल मीटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, दैट इज द अनादर थिंग, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि अगर इंसॉल्वेंट है, चाहे डिस्चार्ज है अनडिस्चार्ज है, फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने से ज्यादा के लिए मोरटिट्यूड कन्विक्टेड पाया गया है, या फिर तीसरा मुझे कहना चाहिए कि अगर कंपोजिशन या सस्पेंड किया है क्रेडिटर्स का पेमेंट, तब। इसके बाद मैंने 196 सबसेक्शन 4 पे बात करने लगा, और 196 4 पे मैंने ये कह दिया कि जो है आपको शेड्यूल 5 की रिक्वायरमेंट अपन पूरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा और जनरल मीटिंग का अप्रूवल लगेगा, बट अगर शेड्यूल 5 पार्ट 1 फॉलो नहीं कर रहे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। फिर MR1 आपको फाइल करना है कितने दिनों में, 60 डेज में, एक बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मेरा कहना है कि अगर किसी कारण से ऑफिस जो है मेंबर्स ने मना कर दिया तो वॉट एवर एक्शन ही हैज टेकन दैट वुड बी बाइंडिंग ओवर द कंपनी। उसके बाद अगर बात करें 203 की, तो 203 में पहला क्वेश्चन, तो कौन सी कंपनी को KMP अपॉइंट करना है और किससे अपॉइंट करना है KMP के रूप में, कौन सी कंपनी को KMP अपॉइंट करना है और किसे KMP के रूप में अपॉइंट करना है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो कौन सी कंपनी, तो एक लिस्टेड कंपनी, इसके अलावा एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है को अपॉइंट करना है, और किसे अपॉइंट करना है ये मैंने तुम्हें बता रखा है। MD हो, MD नहीं हो तो CEO हो, CEO नहीं हो तो होल टाइम अपना मैनेजर हो, और मैनेजर भी नहीं हो तो होल टाइम डायरेक्टर हो, CS और CFO हो, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी पेडअप 10 करोड़ और मोर हो, मैं होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए एस KMP, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में होगा, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद आप कितनी कंपनियों में KMP हो सकते हो, तो एक कंपनी में ही हो सकते हो लेकिन उसकी सब्सिडरी में भी आप काम कर सकते हो, और एक एक्सेप्शन जो है कि आप MD या मैनेजर हो एक कंपनी में और दूसरी कंपनी में MD बनना चाहते हो तो वो हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक नोटिस देयर ऑफ शैल बी गिवन एंड ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और इसके साथ एक आखिरी पॉइंट और था कि अगर KMP के ऑफिस में किसी प्रकार की वैकेंसी आती है तो कब फिल की जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं यह है टेक्निकल आज का मुद्दा, ठीक है, बोर्ड पर ध्यान देना है। अगर पेपर का लेवल अनसर्टेन रहा बच्चों तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेटा इनको, भैया को बोल दो कि अभी बंद करें, अभी नहीं करें, यहां पे बोलना राजू भैया को कि सर कह रहे हैं अभी मत करो यहां पे। सबसे पहले 177 सबसेक्शन 4D, 177 सबसेक्शन 4D, ठीक है, को अपने को पढ़ना है। आप समझ लो कि
अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा रहा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, अदरवाइज क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दिखेगा, ठीक है? बोर्ड पर ध्यान देना, अभी कुछ मत करना, ठीक? समझना, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि 177(4)D क्या कहता है, कि ऑल ट्रांजेक्शन विद दी रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, देयर मोडिफिकेशन। बोर्ड पे ध्यान देना, रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। चेक करना 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज डी यही कहता है क्या बात? टू अप्रूव और मोडिफिकेशन, टू अप्रूव ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज एंड मोडिफिकेशन देयर ऑफ, क्या यही बात कही हुई है कि हमें ट्रांजेक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज को पहले 177 का 4 का डी निकाल बेयर से, मतलब स्पाइरल से। 177 सबसेक्शन 4D स्पाइरल ही सामने रखिएगा, अभी कॉपी मत सामने रखिएगा अपनी। तो 177 सबसेक्शन 4D में मेरा कहना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टीज हो रहे हैं उनका अप्रूवल और उनका मॉडिफिकेशन ऑडिट कमेटी का अप्रूवल मांगेगा। ये बात क्लियर है क्या सबको? प्रथमेश यादव, पायल यादव, क्या ये बात है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टीज हैं उनके लिए अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी लगेगा, इवन उनका मॉडिफिकेशन भी लगेगा, ऑडिट कमिटी के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टीज? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज? ठीक है, अब समझना मेरी बात। रिलेटेड पार्टीज के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन दो प्रकार के होंगे, एक वो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और एनी अदर ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज। मेरी बात समझ में आ रही है? दो हिस्सों में अपने को बांटना पड़ेगा, दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा, हाँ दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टी को। ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और एनी अदर ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज। मेरी बात समझ में आई? ये दोनों ही ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज माने जाते हैं, दोनों ही ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज माने जाते हैं। हो सकता है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो, मतलब कौन से ट्रांजेक्शन? वो सात सात ट्रांजेक्शन्स थे ना रिलेटेड पार्टी वाले, तो अगर ये ट्रांजेक्शंस रिलेटेड पार्टी के साथ हुए हैं तो दे विल बी नोन एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जिसमें पहला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, सेल अदरवाइज डिस्पोज ऑफ और बाय प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, टू अवेल और रेंडर सर्विसेज। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि ए बी और डी के लिए आपको, ए बी डिविलियर्स मैंने बोला था कि आप एक एजेंट का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, फिर ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, कंपनी में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट में अपॉइंट करना चाहते हैं, या फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आप अंडरराइटर के रूप में सिक्योरिटीज के लिए किसी को अपॉइंट कर रहे हो जो कि आपकी रिलेटेड पार्टी है। ये सात ट्रांजेक्शन बताए थे मैंने, हाँ या ना? इन सात ट्रांजेक्शंस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा अगर ये सात हो रहे हैं, बट इनके अलावा भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। इनके अलावा भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? तो सर डी वाला क्या इन सब पे लगेगा? हाँ, ये डी वाला पॉइंट जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी से बात कर रहा है, चाहे आरपीटी होगा चाहे अदर देन आरपीटी, कोई भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है।
ठीक है। अब मैं आरपीटी को लेकर क्या प्रोविजन है वो बता रहा हूं आपको। मतलब मैंने एक बात कह दी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए भी अप्रूवल लगता है, मैंने कहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए भी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है, अदर ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टी के लिए भी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है, बट रिलेटेड पार्टी के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल कैसे लिया जाएगा, अब उसकी बातचीत की जा रही है। यहां पर आएगा रूल नंबर 6A, रूल नंबर 6A, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर ओमनीबस अप्रूवल ली जा सकती है, क्या ली जा सकती है, ओमनीबस अप्रूवल ली जा सकती है। एमसीक्यू में भी प्रश्न हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव में चांसेस कम है। ओमनीबस अप्रूवल की बात की जा रही है, समझना। अगर ओमनीबस अप्रूवल लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मैंने ये हेडिंग पढ़ा दी है ओमनीबस अप्रूवल, जरा चेक कर लो। ओमनीबस अप्रूवल का मतलब मैंने आपको बताया था, बता दिया था ना, चेक करना जरा एक बार। ठीक है, तो मैं रिवाइज कर देता हूं इसको। सर एनी अदर ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी का एग्जाम्पल, रुक जा हर्षिता, मैं ये खत्म कर दूं। ओमनीबस अप्रूवल जो आरपीटी को लेकर है, ठीक है। तो ओमनीबस अप्रूवल का मतलब एक ऐसी अप्रूवल से है जो बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को लेकर आप एक साथ ले लेते हैं, पहली बात, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन के लिए एक साथ ली गई अप्रूवल ओमनीबस होती है। रूल नंबर 6A क्या, ए क्या कहता है कि ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमिटी से ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसको लेकर, सिर्फ आरपीटी को लेकर। अब अदर ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टी की अपन बात नहीं कर रहे, सिर्फ आरपीटी को लेकर ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमिटी की ली जा सकती है, ये पहली बात। दूसरा, ओमनीबस अप्रूवल जब ऑडिट कमेटी की हम ले रहे हैं तो एक क्राइटेरिया के आधार पर लिया जाएगा, एक क्राइटेरिया लिया जाएगा। ये क्राइटेरिया कौन फाइनलाइज करेगा, ऑडिट कमेटी, पर किसके अप्रूवल के साथ, बोर्ड के अप्रूवल के साथ। तो क्राइटेरिया ऑडिट कमेटी बनाएगी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, तब इस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या दिया जाएगा, ओमनीबस अप्रूवल दिया जाएगा। दो, तीसरा, जब भी ओमनीबस अप्रूवल दी जा रही है और क्राइटेरिया फाइनलाइज किया जा रहा है तो उस क्राइटेरिया के कंटेंट क्या होंगे। अब मैं क्राइटेरिया के कंटेंट बोल रहा हूं कि भैया कौन से क्राइटेरिया पर ऑडिट कमेटी इस तरह का अप्रूवल देगी, उसके कंटेंट क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन का सम कितना होगा, कितने अमाउंट के लिए एक ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। दूसरा, एग्रीगेट अमाउंट बताएंगे कि कितने अमाउंट का एग्रीगेट ट्रांजेक्शन उस ओमनीबस से किया जा सकता है। तीसरा, कितने समय में इस ओमनीबस अप्रूवल को रिव्यू किया जाएगा। चौथा, कौन कौन से डिस्क्लोजर सामने वाले को देने पड़ेंगे, सामने वाले को मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ये अप्रूवल लेना चाहता है तो। पांचवा, कौन से ट्रांजेक्शन को लेकर ओमनीबस अप्रूवल नहीं दी जाएगी, ओमनीबस अप्रूवल कौन से ट्रांजेक्शंस को लेकर नहीं दी जा सकती, ये बात। क्राइटेरिया में डिसाइड होती है, ये बात कहाँ डिसाइड होती है, क्राइटेरिया में। तो एक ओमनीबस अप्रूवल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ही दी जाएगी, पहली बात। मैं अदर ट्रांजेक्शंस विद द रिलेटेड पार्टी की बात नहीं कर रहा। दूसरा, मैंने क्या कहा यहां पर, सेकेंड पॉइंट, कि ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी जब दे रही है तो एक क्राइटेरिया के आधार पर देगी, जो क्राइटेरिया ऑडिट कमेटी ने बोर्ड से अप्रूव करवा के फाइनलाइज किया है। इस क्राइटेरिया में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया कि पहले वाला कितने नंबर ऑफ मतलब कितने अमाउंट इन एग्रीगेट, एक सिंगल ट्रांजेक्शन का कितना अमाउंट होगा। तीसरा, मैंने कहा कहाँ पर मना किया जा सकता है, मना इन दी सेंस मुझे कहना चाहिए कौन से ट्रांजेक्शन पर ओमनीबस अप्रूवल नहीं दी जाएगी। चौथा, कितने समय में रिव्यू किया जाएगा। पांचवा, मेरा कहना है कि क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। जब भी ये ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी देगी तो उसे कुछ बातों को लेकर सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि वाकई ये रिपीटेटिव नेचर के ट्रांजेक्शन है क्या, इनकी नीड या जस्टिफिकेशन है क्या ओमनीबस अप्रूवल देने का, ये हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी को ये अप्रूवल देने से पहले। और एक और बात, ये अप्रूवल वन फाइनेंशियल ईयर के लिए मैक्सिमम अवेलेबल होगी, मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये अप्रूवल ली जा
सकती है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा कि ओमनिबस अप्रूवल कितने समय के लिए होगी, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी। और मैंने आपको एक और बात बता दी यहाँ पर कि जो सेल अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अंडरटेकिंग है, अगर ये ट्रांजेक्शन किया जा रहा है एज आरपीटी, तो बच्चों यहाँ पर ओमनीबस अप्रूवल काम नहीं आएगी, स्पेसिफिकली अलग से ऑडिट कमेटी का सेपरेट अप्रूवल लेना पड़ेगा। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी और मैंने कहा था कि एक हेडिंग कार्ड दो कि ओमनीबस अप्रूवल में क्या क्या लिखा जाएगा। मैं सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, अगर तुमने ये कॉपी में लिख लिया हो तो मैं सेक्शन ओपन करूँ बेयर में। देखो बच्चों जरा चेक करना, ये रहा पॉइंट, ठीक है। अप्रूवल और मोडिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, मतलब यहाँ पर आरपीटी भी कवर हो गए एंड एनी अदर ट्रांजेक्शन भी कवर हो गए, ठीक है। तो इन सभी में आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहला, ऑडिट कमेटी में मेक ओमनीबस अप्रूवल फॉर आरपीटी, आरपीटी मतलब इसके सिर्फ एक हिस्से के लिए वह ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है, बट इन कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। कहां तक दे रखी है ये कंडीशन? 7 पॉइंट तक दे रखी है। कहां तक दे रखी है? 7 पॉइंट तक दे रखी है, ठीक है। ये 7 पॉइंट क्या है? ओमनीबस अप्रूवल की है। सबसे पहला पॉइंट मार्क करिएगा, ओमनीबस अप्रूवल जब दी जा रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिट कमिटी शेल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में ये देखो 5, किस पर ओमनीबस अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, कितने समय में रिव्यू किया जाएगा, ठीक कौन से डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजेक्शन क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन एग्रीगेट क्या होगे, ठीक है। जब ऑडिट कमेटी इस तरह का अप्रूवल दे रही है तो उसे रिपीटेटिवनेस जस्टिफिकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह के ट्रांजेक्शन होने चाहिए जो रिपीटेटिव नेचर के हैं, तो बार बार अप्रूवल कहाँ देंगे। ओमनीबस अप्रूवल में क्या लिखा जाएगा ये मैंने काट दिया है, ठीक है। ओमनीबस अप्रूवल शेल नॉट बी वैलिड फॉर एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद सेलिंग डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग के लिए आप ओमनीबस अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, आपको सेपरेट अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या ये बात कवर कर ली है क्या मैंने? बोलो बच्चों ये कर लोगे क्या? ओमनीबस अप्रूवल को लेकर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान से सुनना, मुझे तो नीड को लेकर क्लियर होना चाहिए कि भैया नीड क्या है, नीड क्या है कि भैया मैं ओमनीबस अप्रूवल दूं। बट अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस को लेकर नीड क्लियर नहीं है तो भी ऑडिट कमेटी ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है, बट ऐसे ट्रांजेक्शंस की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं हो सकती। इसे भी एमसीक्यू के लिए आईएमपी मार्क करिएगा, ठीक है। वैसे तो नीड अगर क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑडिट कमेटी को नीड समझ में नहीं आ रही तो वैल्यू पर ट्रांजेक्शन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, समझना। अदर देन आरपीटी क्या इनके लिए भी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगेगा? मेरा कहना है यस, ऑडिट कमेटी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ऑडिट कमेटी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है ऐसा, डी वाले पॉइंट में देखो जरा, डी वाले पॉइंट में अप्रूवल और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन विद द रिलेटेड पार्टीज, इसका मतलब चाहे आरपीटी हो चाहे अदर देन आरपीटी हो, सब पे आपको अप्रूवल तो लेना पड़ेगा। बस ओमनीबस अप्रूवल किस में लिया जा सकता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में लिया जा सकता है। अब समझिएगा सबसे पहला कि अदर ट्रांजेक्शन ऐसे कौन से हो सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी देयर जो
क्या होंगे, मुझे कहना चाहिए कि इसके अलावा होंगे रिलेटेड पार्टी के। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लोन ले लिया, करेक्ट, किसी डायरेक्टर से। अब मुझे एक बात बताओ, लोन लेना कहाँ आरपीटी में कवर हो रहा है? सबसे पहला सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, गुड्स नहीं बोलना चाहिए, गुड्स मटेरियल, परचेज सप्लाई, बोलो सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल, उसमें तो आएगा नहीं। दूसरा सेल अदरवाइज डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, उसमें भी नहीं आएगा। तीसरा लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ में भी नहीं आएगा। अवेलिंग और रेंडरिंग सर्विसेज में भी नहीं आएगा। अब अवेलिंग और रेंडरिंग सर्विसेज में किस तरह की सर्विस आ जाती हैं? जैसे मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज जैसे हैं, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई सर्विसेज आ रही है, ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, अंडर राइटर भी नहीं होगा। इसका मतलब लोन देना और लोन लेना रिलेटेड पार्टी के साथ होने वाला ट्रांजेक्शन है, बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आई? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर कैन बी अ ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी बट विच इज अदर देन आरपीटी, विच इज अदर देन आरपीटी। एग्जाम्पल और दीजिए सर। मान लो किसी रिलेटेड पार्टी से अपन ने क्या किराए पे ले ली, प्रॉपर्टी ले ली किराए पे, तो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड का मतलब क्या है? हमने लीज पर दी है, पर क्या हमने लीज पर ली है? ये तो आती ही नहीं है। तो टू टेक प्रॉपर्टी ऑन दी लीज भी किसमें आ जाएगा? ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टी बट अदर देन आरपीटी। मेरी बात क्लियर हुई? मतलब जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ तो हो रहे हैं, बट वो सात ट्रांजेक्शन में कवर नहीं होते हैं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, उनके लिए तो आपने ओमनीबस अप्रूवल से अप्रूवल ले लिया, क्योंकि तुम्हें लेना तो था ही, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल तो तुम्हें लेना ही था, है ना? बट अब मैं अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी से हो रहे हैं तो उनमें हम क्या करेंगे, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब मैं सेकेंड केस की बात कर रहा हूं। तो उनका कहना है ऑडिट कमेटी अप्रूव कर दे तो बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर ऑडिट कमेटी डिस अप्रूव कर दे, अब समझना मेरी बात, डिस अप्रूव कर दे यहां पर, तो वो रिकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, रिकमेंड करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भैया हमने तो मना कर दिया। पर ये बोर्ड का रिकमेंडेशन है, इसका मतलब क्या? बोर्ड इसके अगेंस्ट जा सकता है, और बोर्ड अगर इसके अगेंस्ट जाएगा तो 177 का 8 लगेगा, हाँ या ना? तो बोर्ड कर तो सकता है, बट बोर्ड रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोजर देगा। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हम कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना ही लेना है। मैं उनके बिना अप्रूवल के आगे नहीं बढ़ूंगा, उनके बिना अप्रूवल के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बट अगर अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कोई और ट्रांजेक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूं, रिलेटेड पार्टी के साथ, तो वहां पर अगर मैंने ऑडिट कमेटी का मना भी आ गया, देखो रिलेटेड पार्टी में तो हाँ में हाँ चाहिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और ऑडिट कमेटी ने मना भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यह रिकमेंडेशन है बोर्ड को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो करे तो ठीक, नहीं करे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिपोर्ट में इसकी बात लिखकर देगा। ठीक है, मैं समरी में एक बार और लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ समझ लो। क्या कहा निकेत साहू? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस अगर मुझे करने हैं तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल हाँ में चाहिए, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा। अब दूसरा है कि जब अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कोई ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी हुआ,
तो भले ही ऑडिट कमेटी मना भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद से कर सकते हैं, रिकमेंडेशन फॉलो ना भी करे तो भी चलेगा, बस बोर्ड रिपोर्ट में इसकी रीजनिंग दे दें कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये बात तो खत्म हो गई कि ऑडिट कमेटी ने हाँ कहा, एक बात हो गई, ऑडिट कमेटी ने ना किया, एक बात अलग हो गई। ठीक है मोहम्मद अजहर खान, अभी प्रश्न मत पूछ, अभी रुक जा तू। ठीक है ये बात हो गई है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब मुझे ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना था, या तो वो हाँ कर दे या वो ना कर दे, तू हाँ कर या ना कर, बट अपन ने तो अप्रूवल लिया ही नहीं, बिना हाँ बिना ना सुने ही अपन ने ट्रांजेक्शन कर दिया, बिना हाँ या बिना ना सुने ही अपन ने ट्रांजेक्शन कर दिया। इसका मतलब चाहे आरपीटी था चाहे अदर देन आरपीटी था, करेक्ट, ऑडिट कमेटी को प्रपोजल दिया ही नहीं, अप्रूवल लिया ही नहीं, उसने कहा इफ लेस देन, या यूं कहूं इफ अमाउंट इज ऑफ 1 CR और लेस वॉइडेबल होगा, ऐसा कहूं इफ 1 CR और लेस, 3 मंथ्स में रेटिफाई करवा लें, क्या करवा लें, 3 मंथ्स में रेटिफाई, अगर नहीं करवा पाए तो ये वॉइडेबल हो जाएगा, बट अगर अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है, मोर देन 1 CR है, तो वॉइड ही होगा, आप ऐसे ट्रांजेक्शन को नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा सुनना, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल हाँ में ही चाहिए, ये आरपीटी के केस में होगा, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल हाँ में मिल जाए बहुत अच्छा है, ना भी मिले तो बोर्ड अदर देन आरपीटी कोई ट्रांजेक्शन करे तो कर सकता है, बट उसकी रीजनिंग दे दे। ना अपन ने हाँ ली ना अपन ने ना ली, तो अपन ने तो गलत किया। तो ऐसे केस में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट नहीं है तो 3 महीने में रेटिफाई कर लो, ठीक है, तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, चाहो तो कैंसिल करो, बट बिना, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल न लेना बहुत बड़ी गलती है, तुमको उनको प्रपोज तो करना था, वो हाँ करे या ना करे ये उनकी बात की बात है, पर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो वॉइड ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद और क्या, ठीक है हो गया खत्म, और तो कुछ नहीं, एक पॉइंट बचा है बस। ठीक है ठीक है ठीक है, बस खत्म। ठीक, अब इसको अपन बेयर से पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है। फिर से पहला पॉइंट, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल दोनों ही केसेस में लगेगा, कौन सा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी और अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। फर्स्ट में जहां अप्रूवल लेना जरूरी है वहां पर ओमनीबस अप्रूवल भी लिया जा सकता है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुमने वहां पर प्रपोजल दिया, ऑडिट कमेटी ने साफ मना कर दिया आप नहीं कर पाओगे, आरपीटी रिलेटेड पार्टी के अप्रूवल के बिना कभी नहीं होंगे, आरपीटी रिलेटेड पार्टी के अप्रूवल के बिना कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, बट अदर देन आरपीटी अगर अप्रूव नहीं भी किया, डिस अप्रूव कर दिया, ठीक है अप्रूवल में तो हो ही जाएंगे, ठीक है, पर अगर डिस अप्रूव कर दिया तो भी हो सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रीजनिंग देने की पड़ेगी, किसमें, बोर्ड रिपोर्ट में, पर तुमने आरपीटी या अदर देन आरपीटी कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, आपने क्या नहीं किया बच्चों, अप्रूवल किसका था, ऑडिट कमेटी का, लिया ही नहीं, बिना उसके ही आपने ये ट्रांजैक्शन कर दिए। तो उसका कहना है पहले तो चेक करो अमाउंट कितने का है, 1 करोड़ से ज्यादा का है क्या, 1 करोड़ से ज्यादा का है वॉइड, पर 1 करोड़ से लेस है तो एक काम करो 3 महीने में रेटिफिकेशन ले लो, 3 महीने में रेटिफिकेशन ले लो तो ठीक है, अदरवाइज वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है इतना बहुत है,
इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है, इतना बहुत है अभी के लिए। चलो पढ़ें क्या इसको प्रोविजन से, देखो आना बच्चों कहां पर, यहां पर सीधे, अब ये वाले पॉइंट पर, इसमें, ठीक है। ये उस समय डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था अब तुम जब बड़े हो जाओगे तब करूंगा, अब तुम समझदार हो गए, बात कर सकते हैं। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन 188, इसका मतलब क्या, आरपीटी को छोड़ दूं, बोलो हाँ ना, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन अदर देन आरपीटी एंड वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव द ट्रांजेक्शन, डज नॉट मतलब मना कर दिया, डिसअप्रूव, इट शैल मेक रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। अब बोर्ड क्या करेगा, या तो हां कर दे या ना कर दे, या तो हां कर दे या ना कर दे। बोर्ड अगर बोलता है कि हाँ आपने मना किया हमको भी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो करता है तो 177 का क्या 8 लगेगा, 8 लगेगा मतलब ये वाला, वेयर बोर्ड डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी सेम शैल बी डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट, करेक्ट क्या, हाँ या ना, इट शैल बी रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। अब आप सोच लें जैसा करना है वैसा कर लें। अब ये वाला केस कहां आएगा, जहां आपने ऑडिट कमिटी से पूछा ही नहीं कि भैया ट्रांजेक्शन करूं कि नहीं करूं, ये दोनों पर अप्लीकेबल है, मतलब आरपीटी पर भी और अदर देन आरपीटी पर भी। देखो इन केस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 CR इज एंटर्ड बाय अ डायरेक्टर ऑफिसर विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, इसका क्या मतलब है, आपने पूछा ही नहीं, हाँ या ना आपने नहीं पूछे, एंड इज नॉट रेटिफाइड बाय ऑडिट कमिटी विद इन 3 months सच ट्रांजेक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी एंड इफ द ट्रांजेक्शन इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर वो उसको इंडेमनीफाई करेगा, जिसको भी जिसकी भी रिलेटेड पार्टी है जिसके साथ ये ट्रांजेक्शन हुआ है बिना अप्रूवल के, वो डायरेक्टर जो है इंडेमनीफाई करेगा। ये तो 188 में भी पड़ा हुआ है, ये कहाँ पड़ा हुआ है, 188 में भी पड़ा हुआ है। बताओ यहां तक कोई प्रश्न है, अब तो आज क्या सीख गए बच्चे कि ट्रांजेक्शंस दो तरह के होते हैं, रिलेटेड पार्टी से होने वाले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस और अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में हमेशा आरपीटी में हमेशा ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेकर ही कर पाओगे, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। बट अगर ऑडिट कमेटी अप्रूव कर दे तो बहुत बढ़िया है, मैं अलग से शॉर्ट में लिख रहा हूं, अप्रूव कर दे कर सकते हैं, कर सकते हैं, डिस अप्रूव कर दे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुमने विदाउट अप्रूवल कर लिया, इसका मतलब ना हां पूछा ना ना पूछा, तो अब ये चेक करोगे कि अमाउंट कितने का है, अगर मोर देन 1 CR है, 1 CR नॉट अलाउड, आप कर ही नहीं पाओगे। बट अगर 1 CR और लेस है तो 3 महीने में रेटिफाई करवा लो, क्या करवा लो, रेटिफाई हो जाए बहुत अच्छा है, अदरवाइज वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव नहीं कर सकते, विदाउट अप्रूवल कर दिया तो अमाउंट देखना 1 करोड़ है या डन, क्या ये कौन से ट्रांजेक्शन को लेकर है, आरपीटी को लेकर, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं अदर देन आरपीटी के, एक बार चेक कर लो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल, आरपीटी सिर्फ आने के तभी इसका इसका क्वेश्चन पूछ जो मैंने अभी बताया है, जो मैं अभी बता रहा हूं। अब ओमनीबस अप्रूवल का प्रश्न मत पूछ, वो तो मैं बाद में फिर क्लियर कर दूंगा, वो आसान है। इसमें कोई डाउट हो तो बता दो,
ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें ऑडिट कमेटी का अप्रूवल आरपीटी पर, अप्रूवल लेकर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, डिसअप्रूव कर दे नहीं कर सकते, विदाउट अप्रूवल किया तो मोर देन वन सीआर नॉट अलाउड, कर ही नहीं सकते। अप्रूवल मतलब विदाउट अप्रूवल किया 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं कर सकते, 1 करोड़ या उससे कम का है तो 3 महीने में रेटिफाई करवाओ, अदरवाइज वॉइडेबल हो जाएगा, अदरवाइज वॉइडेबल, अदरवाइज वॉइडेबल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अदर देन आरपीटी, अदर देन आरपीटी। तो अपन ने उसमें क्या सीखा, अप्रूवल तो लगेगा, अप्रूवल मिल गया कर सकते हैं, डिसअप्रूव्ड हुआ तो भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट क्या करना पड़ेगा, 177 का 8 लगाना पड़ेगा, 177 का 8 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर विदाउट अप्रूवल कर दिया तो फिर से ऊपर वाला सेम प्रोविजन लगेगा, दैट इज 1 करोड़ से ज्यादा है नॉट अलाउड। ठीक है, 1 करोड़ और लेस है अलाउड, अगर रेटिफाई करवा लो 3 मंथ्स में, अदरवाइज वॉइडेबल। बात समझ में आ गई क्या? तो कोई पूछे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए किनका अप्रूवल लगेगा, ऑडिट कमेटी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और मेंबर्स का भी, ऑडिट कमेटी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और मेंबर्स का भी। मेंबर्स का कब, जब वो 10% या उसकी लिमिट को क्रॉस कर जाए, बट ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल तो हमेशा लगेगा। आरपीटी में किसका अप्रूवल लगेगा, ऑडिट कमेटी प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड, बट अदर देन आरपीटी में ऑडिट कमेटी का मिल जाए तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, वरना क्या कर दो, बोर्ड रिपोर्ट में लिख दो। किस में लिख दो, बोर्ड रिपोर्ट में लिख दो। ठीक है, क्या मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी, अदर देन आरपीटी मेंबर्स के अप्रूवल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑडिट कमेटी की लगती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लगती है। अगर ऑडिट कमेटी ने मना किया तो बोर्ड रिपोर्ट में लिख दो, काम हो जाएगा। यहां तक अगर कोई भी प्रश्न हो तो अब पूछो, यहां तक। अब मैं तुम्हारे पुराने क्वेश्चन भी देख रहा हूं, ठीक है, मैंने सिर्फ ये पॉइंट छोड़ दिया है बच्चों, बस ये वाला, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब पढ़ा दिया, अब मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो वैसे तो इस लेवल पे जाने के कोई चांसेस नहीं है, पर किस्मत खराब रहे तो ये भी पेपर में देखने को मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अब तुम्हें जो भी पूछने हैं प्रश्न पूछो और डालो, अब 2 मिनट। हाँ बेटा, चलो शुरू से प्रश्न पढ़ रहा हूं, जिनके भी प्रश्न हो अब देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न खुशी शाह का था, मतलब जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो वो इसमें कवर होंगे, इसमें कवर होंगे, मतलब जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे हैं वो इसमें कवर होंगे, मतलब 177 का 4 हर तरह के ट्रांजैक्शंस पर लगेगा, चाहे रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो या दूसरे ट्रांजैक्शन हो। सार्थक शिंदे पूछ रहा है, सर इसका मतलब आरपीटी इलस्ट्रेटिव है, आरपीटी इलस्ट्रेटिव है नहीं बोलना चाहिए, आरपीटी स्पेसिफिक है बट सिर्फ 7 ट्रांजेक्शन को लेकर है, बाकी को ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी माना जाता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। सिद्धि जैन, मतलब जो आरपीटी में कवर नहीं है वो है, हाँ बिल्कुल, मतलब जो 177 4D में वो भी ट्रांजेक्शन आते हैं जो आरपीटी में कवर नहीं होते बट रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद अजहर खान, जनरल मीटिंग में मेंबर को भी आंसर करना पड़ेगा क्या, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, मेंबर को कोई आंसर नहीं करना है, बोर्ड रिपोर्ट में अगर आपने लिख दिया है तो ये काफी है। ठीक है,
हाँ अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो फिर बताना पड़ेगा, बट अलग से अपने को बताने की कोई जरूरत नहीं। 3 महीने में रेटिफाइड का कॉन्सेप्ट 188 में भी है कि 3 महीने में रेटिफाई करवा लो, अदरवाइज मतलब जिसका अप्रूवल लेना पड़ता था उसका रेटिफिकेशन लगेगा। सॉरी फॉर लेट, कोई दिक्कत नहीं है जानवी सोनी। फिर उसके बाद अंशिका पालीवाल हो गई। मोहम्मद अजहर खान पूछ रहा है सर आरपीटी में ये कैसे अप्लाई होगा, वहां तो कंपलसरी अप्रूवल चाहिए होगा ना। हाँ तो अपन ने क्या कहा कि अप्रूवल तो चाहिए ही, बट अगर नहीं मिला है तो 1 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन के लिए रेटिफाई करवा लो। मतलब रेटिफिकेशन तो अलाउड है ही ना, 188 में मेंबर और बोर्ड के लिए भी अलाउड है ना। तो ये तो जवाब हो गया। अनिकेत साहू सर एक फाइनेंशियल ईयर के बाद फ्रेश अप्रूवल भी ले सकते हैं ना। हाँ बेटा मतलब ओमनीबस अप्रूवल मैक्सिमम 1 साल के लिए है, मतलब उसके बाद जरूरत लगे तो जितनी बार लेना हो आप लो, हर साल लो आप। मोहम्मद अजहर खान सर इस रेटिफिकेशन का भी डिस्क्लोजर देना पड़ता है क्या? रेटिफिकेशन के डिस्क्लोजर की कोई आवश्यकता नहीं होती बेटा, ठीक है। रेटिफिकेशन डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अनुष्का सर आपने कॉपी में लिखाया है कि वेयर आरपीटीआर डिस अप्रूव्ड बाय द ऑडिट कमेटी और इन केस अदर ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, ऑडिट कमेटी शैल गिव इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। पर आरपीटी में तो अप्रूवल तो लगेगा, मैंने कॉपी में अभी लिखवाया क्या कि पहले भी लिखवा रखा है? मुझे तो याद नहीं है, मैंने तो पहले बात नहीं की और अभी तो मैंने ये कहा कि अगर आरपीटी है तो अप्रूवल लगेगा ये लिखा, और अदर देन आरपीटी है तो अप्रूवल हो जाए तो बहुत अच्छा है, डिस अप्रूव हो जाए तो क्या होगा? मैंने कॉपी में लिखवाया है क्या? इसने कहा खुशी शाह ने पहले लिखाया था सर, सर पहले लिखा हुआ है, पहले लिखवाया था ना, मुझे ध्यान नहीं है। 2 मिनट याद कर लेने दो। बता किस कंटेक्स्ट में लिखवाया है एक बार बताना, हो सकता है मैं एक बार चेक कर लूं, हो सकता है। सर पढ़ाया है आपने पूरा? नहीं पूरा पढ़ा दिया मैंने। हाँ सर हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बोला है। ओमनीबस अप्रूवल पूरा पड़ा है, मैंने नीचे का मेरे को ध्यान नहीं है। एक बार ओमनीबस अप्रूवल तो ये रहा, ये पढ़ाया था क्या जो मैंने रेड मार्क किया है? ये है मेन, ओमनीबस अप्रूवल तो ऊपर हो गया। सब पढ़ा हुआ है, हाँ सर ये भी लिखाया है तो ठीक है। तो फिर अगर ये लिखाया है तो इसमें सुधार करना, फिर इसमें सुधार करना, अगर पढ़ाया है तो फिर इसमें सुधार करना, ठीक है। कि आरपीटी में नहीं, अच्छा है पढ़ा दिया तो बहुत ही अच्छा है, ठीक। ये वाला इज करेक्ट वन, इसको वैलिड मानना, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, ये इंटरप्रिटेशन ज्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है मुझे तो ध्यान नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पर अगर पढ़ाया भी है तो ये ज्यादा इंटरप्रिटेशन सही है, इसको कंसिडर करिएगा। मुझे तो ध्यान नहीं है कि मैंने कभी ये भी बताया हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, बट इसमें तो लिखा है अदर ट्रांजैक्शंस, ये लिखा है 188(7) रिलेटेड पार्टी होल्डिंग, 188 रिस्ट्रिक्शन ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट, 177(4)(d). बेटा नहीं पढ़ाया यार, रुक जा है आखिरी में। वेयर आरपीटीआर डिसअप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी है इन केस ऑफ अदर अदर ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ऑडिट कमेटी शैल गिव इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। ये तो वेयर आरपीटीआर डिसअप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी और इन केस ऑफ अदर ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ऑडिट कमेटी शैल गिव इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। वेयर ट्रांजेक्शंस पढ़ाया है, नहीं ये ज्यादा सही है, बिल्कुल सही है, इसने सही कहा, करेक्ट। यहां पर जो तुमने कॉपी में लिख रखा है ना,
वेयर आरपीटी आर डिसअप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी और इन केस ऑफ अदर ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। तो यहां पर वेयर आरपीटी आर डिसअप्रूव्ड बाय ऑडिट कमिटी, ये आरपीटी वाला कार्ड देना बच्चों। वेयर एनी अदर ट्रांजेक्शन इज डिसअप्रूव्ड, ऑडिट कमिटी शैल गिव इट्स रिकमेंडेशन। ठीक है, बाकी सही है। ठीक है, बाकी सही है। ये वाला ध्यान रखना, ये अंतर कर रहे हैं अपन अपने आंसर में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजैक्शन कौन सा है, आरपीटी और एनी अदर ट्रांजैक्शन, और उसके बाद इसी पर चलना। फोटो खींचना है तो एक बार और देख लो, फोटो खींचना है तो एक बार और देख लो। यहां से ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज अदर देन आरपीटी, आगे बढ़ूं। फिर उसके बाद ये ठीक है, फिर ये फिर ये, इनकी सीक्वेंस भी ध्यान रखना नंबर में, पहला दूसरा तीसरा, नहीं तो सब कचरा हो जाएगा। और फिर ये आखिरी ये। ठीक है, तो अब आप समझ लो कि ये क्वेश्चन टफेस्ट हो गया, ये क्वेश्चन टफेस्ट हो गया। कौन सा? कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे हैं, तो हम वैसे तो हम अप्रूवल ले लें, नहीं लिया अप्रूवल तो डिसअप्रूव कर दो, डिसअप्रूव कर दिया रेटिफिकेशन करवा लो, नहीं डिसअप्रूव कर दिया तो डिसअप्रूव कर दिया तो रिकव कर सकते हैं, बट बोर्ड रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। बट तुमने अप्रूवल लिया ही नहीं, ना हाँ में ना ना में, तो अब ट्रांजेक्शन देखो कितने अमाउंट का है, 1 करोड़ से ज्यादा का है तो खत्म है, और 1 करोड़ या उससे लेस का है तो फिर आपको 3 महीने का रेटिफिकेशन लगेगा। अब रेटिफिकेशन वहीं तो लगता है जहां पे अप्रूवल लेना था पर लिया नहीं, अप्रूवल लेना था पर लिया नहीं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया ही नहीं तो रेटिफिकेशन लिया, या फिर बोर्ड का अप्रूवल लेना था पर लिया नहीं तो रेटिफिकेशन लगा, मेंबर का अप्रूवल लेना था पर लिया नहीं रेटिफिकेशन। मैंने तुम्हें सिखाया है कि भैया ये ऐसा एक्ट है जिस पर मेरा अप्रूवल लेना था पर उन्होंने लिया नहीं, तो मैं उसमें अपने आप की कंफर्मेशन देता हूं, तो वह रेटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से बनना चाहिए, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे अलग से पूछ लेना, पर ये मैंने बता दिया है इसमें काम हो जाएगा। बस एक अंतर किया है अपन ने कि जहां आरपीटी के केस में भी रिकमेंडेशन दे रहा था वो अब रिकमेंडेशन आरपीटी के केस में नहीं देगा, सिर्फ अदर देन आरपीटी के केस में ही देगा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों अगली हेडिंग की, दैट इज तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, 173 सबसेक्शन 2। ठीक है, पहले बोर्ड पे देख लेना एग्जाम में क्या डिटेल में प्रश्न आ सकता है। अनुष्का पूछ रही है सर अगर अप्रूव नहीं किया है तो उसके 2 दिन बाद कर सकते हैं मीटिंग में, सर अगर अप्रूव नहीं किया है तो उसके 2 दिन बाद भी कर सकते हैं मीटिंग में, ये नहीं समझा अनुष्का एक बार मुझे बताना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस नहीं, अप्रूव नहीं किया है तो वो तो कर ही नहीं सकते ना बेटा। सर पहले बोर्ड या मेंबर्स की अप्रूवल लगेगी या फिर ऑडिट कमेटी की? पहले ऑडिट कमेटी की, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, फिर मेंबर्स की। ठीक है, क्योंकि ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करती है ना बेटा, इसका मतलब पहले ऑडिट कमेटी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मेंबर्स। ठीक है,
अच्छा ये फेक अनुष्का है, ठीक है भैया। अरे अरे इतने बड़े हो गए हो फिर भी ऐसे काम कर रहे हो यार। हाँ फेक अनुष्का, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं 173-2, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ये बात हमने बहुत पहले समझ ली थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कर सकता है, ये होता है, ये होता ही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जैसे आप सब और मैं, बस फर्क इतना है कि मुझे आपके फोटो दिखाई नहीं दे रहे, बट अगर आप मान लो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कई मेथड होते हैं आजकल, जिसमें ऑडियो विजुअल मीन से देखा जा सकता है, मतलब आवाज भी आएगी और देखा भी जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अपना इसमें किसमें ये है ना अपना टेलीग्राम, इसमें स्ट्रीम कर लो ऑन, स्ट्रीमिंग अलाउड है उसमें भी, गूगल में भी अब अलाउड है। तो ये सब क्या है, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स हैं बच्चों, ठीक है। ये सब अदर ऑडियो विजुअल मीन्स हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से मीटिंग की जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि अगर ये मीटिंग हो रही है तो क्या तरीका होगा। ये 173 के सबसेक्शन 2 के साथ रूल नंबर 3 में दिया गया है, रूल नंबर 3 में दिया गया है, और इसी को अपने को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको करना है तो यस अलाउड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या अदर ऑडियो विजुअल मीन से बोर्ड मीटिंग रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, रूल नंबर 3 की बात कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना बेटा। चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी को कौन से सेफगार्ड रखने हैं, सीएस को कौन से सेफगार्ड रखने हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। सब रूल 2, 3 सब रूल 2 एग्जाम का क्वेश्चन है, चेयरपर्सन या सीएस को कौन कौन से सेफगार्ड रखने हैं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। रूल नंबर 3 सब रूल 2, उसका कहना है सबसे पहले हम इंश्योर करें कि आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाए, कौन बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है इसको लेकर आइडेंटिटी वेरीफाई किया जाए कि हाँ राम श्याम घनश्याम जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर हैं वही बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई और नहीं, ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन या फिर कंपनी सेक्रेटरी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास सफिशियंट इक्विपमेंट हैं जिससे कि हम बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकें। तो इक्विपमेंट भी आपके पास होने चाहिए, स्पेयर में भी आपको 2-5 रखने पड़ेंगे, स्पेयर भी में भी आपको 2-5 रखने पड़ेंगे ऐसे इक्विपमेंट। तीसरा, आप ये इंश्योर करें कि जितनी भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो रही है, नो पर्सन अदर देन द डायरेक्टर इज अटेंडिंग, नो पर्सन अदर देन डायरेक्टर इज अटेंडिंग, ये इंश्योर करें। चौथा, उनका कहना है कि आप जितनी भी मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर करें, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग की जितने भी टैब वगैरह होगी, टैब्स होगी या रिकॉर्डिंग की वीडियो कैसेट्स होंगी, उन टैब्स को भी आप क्या करेंगे, सेफ कस्टडी में रखेंगे, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा। यू विल बी कीपिंग दोज टेप इन दी सेफ कस्टडी। और इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर बेसिकली इनकेपेबल है वहां पहुंचने के लिए, तो किसी अदर पर्सन को परमिशन आपके द्वारा दी जा सकती है, अदर पर्सन टू बी टू अटेंड, ठीक है, अदर पर्सन को परमिशन दे दें टू अटेंड। ये सब जिम्मेदारियां किसकी हैं,
डायरेक्टर नहीं, चेयर पर्सन की और कंपनी सेक्रेटरी की, वो इंश्योर करें कि भैया जो भी व्यक्ति अटेंड कर रहा है वो कंपनी का ही डायरेक्टर, ऐसा तो नहीं कि कोई और व्यक्ति अटेंड कर रहा है। हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट हैं। फिर तीसरा हमने कहा कि अदर देन डायरेक्टर कोई व्यक्ति अटेंडेंट ना हो, रिकॉर्डिंग आप करवाएं, इन सारी रिकॉर्डिंग्स को आप सेफ कस्टडी में रखें। और आखिरी बात मैंने कही कि कोई और पर्सन अटेंड कर रहा है स्पेसिफिकली, क्योंकि कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो आएगा जाएगा कैसे, तो परमिशन के साथ अटेंड की जा सकती है। ये बात सब रूल टू में है और यही एग्जाम का क्वेश्चन होता है कि सीएस या फिर चेयर पर्सन को कौन से सेफगार्ड्स लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, बट ये 166 का वायलेशन है हर्षिता। बिल्कुल नहीं, 166 में तो क्या है कि मैं किसी और को डायरेक्टर बना रहा हूं, यहां पर तो मैं डायरेक्टर हूं, मैं अपने साथ किसी को लेके जा रहा हूं कि भैया मैं मान लो हैंडीकैप्ड हूं, मैं चल कर नहीं जा सकता, तो मेरे साथ मेरी गाड़ी कोई खींच कर लेके जाएगा, तो वहां पर कोई और भी व्यक्ति उस रूम में है तो मदद करें, मैं मान लो समझ नहीं सकता सुन नहीं सकता तो वो मुझे बताएगा, ये सब प्रश्न है। यहाँ पर वो बात थोड़ी हो रही है कि कोई और मेरी जगह डायरेक्टर बन रहा है, तो कैसे, ये तो प्रश्न बनता ही नहीं यहाँ पर ठीक है। अब तीसरा, अब अगर मैं नोटिस दूंगा किसका, बोर्ड मीटिंग का, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बोर्ड मीटिंग का, ठीक है, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग बोलना चाहिए सीधे, ठीक है। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग दिया जा रहा है, तो वैसे तो अपन ने बहुत बातें समझ ली है। अरे यार डिस्चार्ज हो गया क्या? लगता है डिस्चार्ज हो गया है, ये चार्ज नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, मुझे, मैं ऐसे ही ओरली पढ़ा दूंगा, 2 मिनट बेटा रुक जा अभी। लाओ, 2 स्पायरल हैं तुम्हारे पास? 2 स्पायरल हैं क्या? एक स्पायरल मुझे ला के दे दो। स्विच ऑन नहीं था। चलो अब मैं रूल नंबर 3 का सब रूल 1 समझा चुका हूं कि सब रूल 1 में क्या सीख लिया बच्चों। सब रूल 1 में हमने सीख लिया कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलाउड है, ये सीख लिया। सब रूल 2 में हम सीख गए, ध्यान से सुनना, कि चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी को मानस रघुवंशी कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सब रूल 3 की, ध्यान से सुनना। जो भी बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा, जो भी बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा मोहम्मद अजहर खान, उसमें ये लिखा जाएगा कि एक डायरेक्टर चाहे तो बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अटेंड कर सकता है। इसका मतलब ऑप्शन किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। किसके कोर्ट में बॉल है? डायरेक्टर के कोर्ट में बॉल है कि वह अगर बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहता है तो कंपनी को बता दे, कंपनी मतलब चेयरपर्सन को या कंपनी सेक्रेटरी को बता दे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करेंगे। मतलब अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो भी वो व्यवस्था करेंगे और डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकता है। करेक्ट, तो ऑप्शन हर डायरेक्टर को दिया जाएगा नोटिस में। मुस्कान मिश्रा, ये लिखा जाएगा कि डायरेक्टर हु इंटेंड टू अटेंड बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जस्ट इन्फॉर्म टू द चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी रिजनेबल टाइम बिफोर दी बोर्ड मीटिंग। ये पहली बात हो गई। दूसरा, अब क्या होता है, परेशानी ये हो गई कि हर बोर्ड मीटिंग से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बोर्ड मीटिंग से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा प्रियांश नागर, ये बताना पड़ेगा कि मैं भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, तुम व्यवस्था करके रखना। तो ये तो बड़ी झंझट हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, कैलेंडर ईयर की शुरुआत में ही अगर कंपनी को बता दिया कि भैया इस साल सारी बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, इस साल सारी बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करने वाला हूं, ठीक है, अगर मैंने ये शुरुआत में ही बात कर दी, तो मुझे हर बोर्ड मीटिंग का अलग से नोटिस देना नहीं पड़ेगा। मतलब कैलेंडर ईयर की शुरुआत में दिया गया नोटिस पूरे कैलेंडर ईयर तक अप्लीकेबल होगा। मान लो मैंने नोटिस दे दिया कि भैया मैं इस बार सारी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, ठीक है, तो क्या मुझ पर अब स्टॉपल लग गया क्या? नहीं, स्टॉपल नहीं लगा। इसका मतलब मान लो इस 2 बोर्ड मीटिंग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर ली, तीसरी बोर्ड मीटिंग में पता चला कि एंजेलिना भी आ रही है एज अ डायरेक्टर। कौन आ रही है?
एंजेलिना भी, मैंने कहा अब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड नहीं करूंगा, अब तो मैं बोर्ड मीटिंग में जाऊंगा, एंजेलिना से भी मिल लूंगा इसी बहाने। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपने कैलेंडर ईयर की शुरुआत में ही अगर आपने नोटिस दे दिया था, फिर भी अगर आप चाहते हो कि बोर्ड मीटिंग को फिजिकली अटेंड करें तो आप कर लें, बस आप इसका भी बता दें कि भैया ये वाली बोर्ड मीटिंग मैं फिजिकली अटेंड करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात क्लियर है? पहला, डायरेक्टर के पास ऑप्शन है अब कि वह बोर्ड मीटिंग कैसे अटेंड करना चाहता है। दूसरा, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहता है तो कंपनी को ये फैसिलिटी देना ही पड़ेगी। तीसरा, मेरा कहना है अगर साल की शुरुआत में, कैलेंडर ईयर की बिगनिंग में वह बता दे कि भैया मैं इस बार की सारी बोर्ड मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो बहुत बढ़िया है। हर हर बोर्ड मीटिंग से पहले अलग से नोटिस भेजने की जरूरत नहीं। चौथा, अगर मैंने बोर्ड मीटिंग का नोटिस बोल भी दिया भैया कि मैं तो सारी इस साल बोर्ड मीटिंग कैसे करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, बट मैं इस बार स्पेसिफिकली अटेंड करना चाहता हूं, कारण चाहे जो भी हो, तो ऐसे केस में बच्चों उनका कहना है कि आप क्या कर दें, आप क्या कर दें, आप क्या कर दें, बता दें, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई चार। अब मान लो बोर्ड मीटिंग का नोटिस मुस्कान मिश्रा आया, पर आपने उनको नहीं बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, आपने साल की शुरुआत में भी कोई नोटिस नहीं दिया, तो सामने वाला क्या मानेगा? सामने वाला तो ये मानेगा कि तुम फिजिकली अटेंड करोगे, हाँ या ना? करेक्ट। तो अगर आपने सामने वाले को कुछ नहीं बोला कि भैया मैं इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करूंगा, साल की शुरुआत में भी नहीं दे रखा है, तो यह इम्प्लाइड है कि आप बोर्ड मीटिंग फिजिकली ही अटेंड करोगे। क्लियर? ये बात रूल नंबर 3 के सब रूल 3 में कही गई है, ये बात रूल नंबर 3 के सब रूल 3 में कही गई है कि भैया नोटिस का किस तरह से मामला बनेगा। ठीक है, तो पहली बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकता है। दूसरा, चेयरपर्सन या कंपनी सेक्रेटरी को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा, मेरा कहना है कि नोटिस कैसे दिया जाएगा, ये बता दिया मैंने। अब मैं चौथी बात कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है रोल कॉल। रोल कॉल का मतलब क्या होता है समझिएगा, जैसे अपन फोन करते हैं किसी को तो बोलते हैं ना, हाँ आप कौन, पहला प्रश्न, आप कहाँ रहते हो, दूसरा प्रश्न, तीसरा, कोई व्यक्ति और आसपास तो नहीं है, मान लो मैं एंजेलिना से बात कर रहा हूं, तो पहला, एंजेलिना तुम एंजेलिना ही बोल रही हो, दूसरा कहाँ से बोल रही हो, कोई आसपास तो नहीं है, और तुमको एजेंडा मिल गया था क्या कि आज किस मामले पर बातचीत होनी है। इसे कहा जाता है रोल कॉल बच्चों। ठीक है, तो चेयरपर्सन रोल कॉल करेगा, गोला मार दीजिएगा, चेयरपर्सन रोल कॉल करेगा किसको, डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, पूछेगा भैया क्या आप राम हैं, आपका नाम बताइए, हाँ मैं राम हूँ, कहाँ से हैं, तो वो बताएगा हाँ मैं यहाँ से हूँ, कोई और अटेंड तो नहीं कर रहा, वो बोलेगा हाँ कोई अटेंड नहीं कर रहा, क्या तुम्हें बोर्ड मीटिंग का नोटिस एजेंडा मिल गया था, बोले हाँ मिल गया था, बस अब आगे बढ़ो। करेक्ट, क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड एज रोल कॉल, दिस इज कॉल्ड एज रोल कॉल। बच्चों अभी है ना, अभी प्रश्न मत डालो, तुम अगर ऋषि का तायल अभी प्रश्न भी डालोगी तो मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं पढ़ पाऊं, मैं आखिरी में तुमसे पूछूंगा तब ये प्रश्न डालना। ठीक है, कि क्या क्या डाउट है तो एक साथ फिर सॉल्व करेंगे, अभी के लिए मेरे को वापस ऊपर जाना पड़ता है सब डाउट्स के लिए। ठीक है, तो एक साथ आखिरी में पूछ लेना। अब रोल कॉल हो गया, ठीक है, अब जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं दोस्तों, जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, अब वो क्या करेंगे, किसी रिजोल्यूशन पर अपनी हाँ या ना दर्ज करेंगे, तो उनको जो भी ना कर रहे हैं ना, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया मैं ये हूं और मैं अपनी ना दर्ज कर रहा हूं। जो अपनी हाँ दर्ज कर रहे हैं वो अपने आप को हाँ कहेंगे कि भैया मैं ये हूं और इस रिजोल्यूशन पर अपनी हाँ दर्ज कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? अगर रिजोल्यूशन वोट के लिए रखा गया है तो ठीक है, पर अगर उन्होंने कहा हम सभी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं, तो बस यूनानिमस कंसेंट से पास हो जाएगा। पर अगर वोट पे रखा गया है तो फिर किसने हाँ किया और किसने ना किया, ये आपको अलग से लिखना पड़ेगा ताकि आप काउंट भी कर पाओ। ये बातें हो गई पांचवी। ठीक है, अब बस इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है, इसमें एक आध कॉन्सेप्ट और समझो बस, कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग हुई या फिर फिजिकली हुई, कोई वास्ता नहीं है, ध्यान से सुनना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अलग से पूछा जाएगा। जो भी बोर्ड मीटिंग हुई है उसके मिनट्स आपको 15 दिन में प्रिपेयर कर लेना है, 15 डेट्स में प्रिपेयर कर लेना है। मैं बुक्स में इंटर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बुक्स में इंटर तो 30 दिन में करते हैं, याद करो 118 में सिखाया था, 118 में सिखाया था, इंटर नहीं करना है, सिर्फ प्रिपेयर करना है 15 दिन में, और इनको सभी डायरेक्टर्स को भेज देना है, सभी डायरेक्टर्स को भेज देना है। अगर डायरेक्टर्स किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन लें 7 दिनों में,
भेजने के बाद तो कंसिडर कर लेंगे, वरना खामोशी का मतलब हाँ है। अपने को उन्हीं मिनट्स को जो ड्राफ्ट में भेजे थे 15 दिन के अंदर अंदर और ऑब्जेक्शन मांगे थे 7 दिन इनमें, उन्हीं को मिनट बुक में इंटर कर लेना है। तो ध्यान रखिए ये 15 दिन और 7 दिन भी एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, मतलब एमसीक्यू में। ठीक है, तो फिर से बताओ, रोल कॉल कौन करेगा? चेयरपर्सन। दूसरा नोटिस ये कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहता है, ये ऑप्शन किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। साल में एक बार में दे दे तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो पढ़ना। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो पढ़ना। पहले तो सबसेक्शन 2 दिखाई दे रहा है तुमको नोट्स में, उसके दूसरे पैराग्राफ में लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर देयर इज अ कोरम इन अ मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ डायरेक्टर। मिला क्या ये पॉइंट? ऑनलाइन सबको मिल गया क्या? फटाफट फटाफट बताओ, जहां पर 173 का 2 लिखा हुआ है, पेज नंबर है 189। ठीक है, वहां लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर देयर इज अ कोरम इन अ मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ डायरेक्टर एनी अदर डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस इन सच अ मीटिंग। करेक्ट, ये पॉइंट काट दें आप, काट दें। क्यों? रीजन दे रहा हूं, ये रूल नंबर 4 को बिलोंग करता है जो अब ओमिट हो चुका है। रूल नंबर 4 को बिलोंग करता है, अब ओमिट हो चुका है। तो बोल्ड में जो वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसे काट दीजिएगा। बोल्ड में जो पॉइंट लिखा हुआ है इसे काट दीजिएगा। ठीक है, सीधे रूल नंबर 3 पर आ जाएं, सीधे रूल नंबर 3 पे आ जाएं, जो उसके ठीक नीचे है। रूल नंबर 3, मीटिंग ऑफ बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। पहुंच गए क्या? इसमें सबरूल 1 में पहला पॉइंट है, सबरूल 1, एवरी कंपनी शैल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू अवॉइड फेलियर ऑफ ऑडियो विजुअल कनेक्शन। ठीक है भैया, तो अपने यहाँ पे भी जनरेटर व्यवस्था है। ये बात और है कि बीच में कभी कभी चलता नहीं है, बट हमने व्यवस्था तो कर रखी है। सबरूल 2 में देखो, चेयरपर्सन या एंड द कंपनी सेक्रेटरी पैनी शैल टेक रिजनेबल केयर। केयर मतलब ये सेफ गार्ड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो, सेफगार्ड इंटीग्रिटी बाय सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करना। दूसरा, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, मिला, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, मिल गया। तीसरा, रिकॉर्ड करें प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयर मिनट्स। 3, चौथा, स्टोर करें सेफ कीपिंग के लिए टेप रिकॉर्डिंग्स, टेप रिकॉर्डिंग्स। फिर उसके बाद, टू इंश्योर नो पर्सन अदर देन कंसर्न डायरेक्टर इज अटेंडिंग मीटिंग। करेक्ट, उसके बाद, टू इंश्योर अदर पार्टिसिपेटिंग अदर देन अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स आर एबल टू हियर एंड सी अदर पार्टिसिपेंट क्लियरली प्रोवाइडेड द पर्सन हु आर डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड मतलब इसमें है ना, ABI हो गया है, उसे L करना, ABLED, डिफरेंटली एबल्ड। मे मेक रिक्वेस्ट टू द बोर्ड टू अलाउ द पर्सन टू अकंपनी हिम, मतलब साथ में रह सकता है। करेक्ट क्या? तो ये सबरूल 2 तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। सबरूल 3 पे आ रहा हूं, द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल बी सेंड टू ऑल डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद 173। ठीक है, नोटिस में जो दूसरा पॉइंटर है बच्चों, द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल इन्फॉर्म डायरेक्टर रिगार्डिंग द ऑप्शन अवेलेबल, मतलब ये क्या हो गया, कंटेंट ऑफ नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अपने को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया तुमको ये अधिकार है, तुम चाहो तो कैसे अटेंड कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंटर, डायरेक्टर इंटेंडिंग टू पार्टिसिपेट शेल कम्युनिकेट हिज इंटेंशन टू चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। करेक्ट है, उसे रिजनेबली पहले बताना पड़ेगा। चौथा पॉइंटर, इफ डायरेक्टर इंटेंड टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स ही शेल गिव प्रायर इंटीमेशन सफिशियंटली इन एडवांस, जिससे कि हम अरेंजमेंट कर पाए। पांचवा, एनी डायरेक्टर हु इंटेंड टू पार्टिसिपेटिंग मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंटीमेट अबाउट पार्टिसिपेशन इन दी बिगिनिंग ऑफ दी कैलेंडर ईयर। और अगर ऐसा किया तो क्या अलग से नोटिस देना पड़ेगा क्या? नहीं। प्रोवाइडेड सच डिक्लेरेशन शैल नॉट डिबार हिम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन मीटिंग इन पर्सन इन केस ही शैल इंटीमेट द कंपनी सफिशियंटली इन एडवांस कि भैया मैं इस बार इन पर्सन आऊंगा। इन द अब्सेंस ऑफ इंटीमेशन अंडर क्लॉज सी, मतलब इंटीमेशन नहीं दी, इट शैल बी अज्यूम दैट द डायरेक्टर शैल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन। तो जब वो बताता नहीं है तब। सबरूल 4 जरा चेक करो, रोल कॉल है, चेयरपर्सन करेगा, नेम, लोकेशन, एजेंडा मिल गया था क्या, डायरेक्टर खुद ही अटेंड कर रहे हो या कोई और भी कर रहा है। ठीक है, सबरूल 5,
आफ्टर रोल कॉल चेयरपर्सन कंपनी सेक्रेटरी बताएगा कोई और पर्सन है जो परमिशन के साथ अटेंड कर रहे हैं बता दें, या रिक्वेस्ट पर अटेंड कर रहे हैं बता दें। सब रूल 6 तुम्हारे काम का नहीं, सब रूल 7 तुम्हारे काम का नहीं, सब रूल 8 तुम्हारे काम का नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 सब काट दो, सीधे पहुंचो 11 पे, सीधे पहुंचो 11 पे, 11th। सबके पास स्पाइरल तो है ना, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसके पास अभी स्पाइरल नहीं है ऑनलाइन। नोट्स अच्छे लगे बच्चों तुमको, ये वाले नए बच्चों को दे दूं ना ये नोट्स, बढ़िया है, ठीक है। देखो अच्छे अच्छे हो तो ही अच्छे बोलना, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, एक है मेरी कॉपी और एक है मेरा स्पाइरल। कॉपी तो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, मेरे को पूरी उम्मीद है, ये स्पाइरल जो है ये एक बार के लिए पढ़ना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई मैंने जब ये नोट्स बनाए थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं ये दे तो रहा हूँ, बच्चों को अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी बैच में मैं ये पहली बार दिया हूँ बेयर एक्ट एग्जाम्पल सहित, वैसे कभी आज तक किया नहीं मैंने, ठीक है। धन्यवाद बच्चों। देखो 11वां पॉइंट बता रहा हूँ, एट द डिस्कशन ऑफ ईच एजेंडा आइटम, एट द डिस्कशन ऑफ ईच एजेंडा आइटम मतलब हर मामले पर, the chairperson of meeting shall announce the summary of decision taken on such item along with the name of director if any who dissented from the decision taken by the majority। जो मना कर रहे हैं उनको, तो जो हाँ करें ना करें ये रिकॉर्ड रखें, पर मना करने वालों को स्पेसिफिकली बोलें, और ड्राफ्ट मिनट में ऐसा लिखें भैया कि भैया इन्होंने मना किया है, ये बात करो। 118 सेक्शन के सबसेक्शन 3 में ये बात लिखवाई भी थी, 118 के सबसेक्शन 3 में ये बात लिखवाई भी थी कि जो मना करते हैं वो मिनट्स में स्पेसिफिकली लिखना पड़ते हैं, 118 सबसेक्शन 3 आखिरी में पढ़ाया था अभी अभी, ठीक है। सीधे सब रूल 12 पर आ जाएं, सब रूल 12 ड्राफ्ट मिनट्स 15 दिन में सर्कुलेट किए जाएंगे, जिसको भी ऑब्जेक्शन लेना है अगले पैराग्राफ में 7 दिन में ले लें, वरना खामोशी का मतलब हाँ है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब सुनना मेरी बात, अब जब तुम मॉड्यूल देखोगे ना, मॉड्यूल किसका, जनरल मीटिंग का, किसका देखोगे, जनरल मीटिंग का, तो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फायदे और नुकसान बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं, फायदे और नुकसान, तो लिखो कॉपी में कि जनरल मीटिंग के चैप्टर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फायदे और नुकसान बता रखे हैं, इन्हें हमें खुद से पढ़ना है। बहुत ही कचरा है, क्या है, बहुत ही कचरा है, रुक जा कुसुम मूलचंदानी, वापस बता देता हूँ, गलत समझ आ रही है। जैसे क्या फायदा बताओ, आज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें क्या फायदा हुआ, लेस कॉस्ट, तुम लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ा। दूसरा, ट्रेवलिंग टाइम भी बच गया, करेक्ट है, पार्टिसिपेशन भी इंश्योर हो गया, ये सब चीजें फायदे ही हैं, तो आपको कॉस्ट कम, पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया, ठीक है, उसके अलावा ट्रेवलिंग कॉस्ट कम, तो ये सब चीजें इसके फायदे हैं। पर नुकसान क्या अंशिका पालीवाल, कि जैसे अभी अनुष्का के नाम पर फर्जी अनुष्का एक और आ गई थी, तो ये तो नुकसान है, हाँ है ना, तो ये नुकसान हो गया। कहने को सस्ता पड़ता है, पर जूम के लिए भी अच्छा खासा एक्सपेंडिचर हमको करना पड़ रहा है। दो, तीसरा, लेस अटेंशन डेफिनेटली, कि भैया ध्यान होता ही नहीं है, इधर उधर चले जाते हैं बच्चे, यहाँ तो डर के मारे बैठते हैं, ठीक है, खाना भी नहीं खा सकते बीच में, वहां मजे से खाते पीते रहते हैं। ये बात और है कि प्रियंका खा लेती थी क्लास में, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें, मेरा कहना है बेनिफिट्स और क्या कह दूं मैं कि नुकसान, एक बार चाहे तो मॉड्यूल में चेक कर लेना, जनरल मीटिंग के चैप्टर में ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ छूट रहा है तो मैं यहाँ से कवर कर दूंगा, चिंता मत करो, इतना पढ़ा दिया है तो थोड़ा और भी पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो अब मेरा क्या हो गया, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आज के, एक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एक है ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस अप्रूवल अच्छे से कर लिया है, अब अपन बोर्ड मीटिंग का एजेंडा बना रहे हैं और नोटिस बना रहे हैं। पर इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, आप लोगों को मिलता है 7 मिनट का पूरा ब्रेक, 5:00 बजकर
55 मिनट से शुरू करेंगे बोर्ड मीटिंग का नोटिस और बोर्ड मीटिंग का एजेंडा, जिसकी पूरी उम्मीद है मुझे क्वेश्चन आएगा। बाकी के जो प्रश्न हो अब लिख दो, अब छाप दो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, अब जिसको प्रश्न हो अब छाप दो, देख रहा हूं मैं। हाँ कुसुम, मैं एक बार वापस से, मैं भूल गया बेटा, मैं वापस बता दूंगा, रुक जा। ठीक है, सब अपने अपने क्वेश्चन वापस डाल देना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, कुसुम चलो आ जाना है तो फिर बताता हूँ ब्रेक के बाद। सुनना कुसुम, अगर यही हो तो मेरा कहना है, जैसे ही बोर्ड मीटिंग हुई बेटा, 15 दिन में आपको बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बना लेने हैं, प्रिपेयर प्रिपेयर करना है। मिनट बुक में इंटर करने की जरूरत नहीं है, मिनट्स बना लो 15 दिन में। ठीक है, दूसरा, इन मिनट्स को 15 दिन में जब प्रिपेयर कर लिया तो अगले जैसे बनाओ, 15 दिन के अंदर अंदर बना के सभी डायरेक्टर्स को भेजो, ताकि वो क्या कर पाए, इस पर अपने कमेंट्स दे पाए अगले 7 दिन में। तो कितने हो गई बातें, 15 दिन में बनाकर भेज दिए, 7 दिन में कमेंट्स ले लिए। ठीक है, उसके बाद अब अपने पास कितने दिन बचे, 15, 7, 22, अगले 8 दिन में मिनट में इंटर कर लो। मतलब प्रिपेयर करके मिनट बुक में 30 दिन में इंटर करने पड़ते हैं सारे मिनट्स। तो कुसुम यहां पर उस 30 दिन का भी बाइफरकेशन है कि पहले क्या करना है, सभी ड्राफ्ट मिनट्स को भेजना है, 7 दिन में ऑब्जेक्शन लेना है, और फिर उसके बाद इनको इंटर करना है। मतलब 15 दिन में तो भेज दिए, 7 दिन में ऑब्जेक्शन आ गए, मतलब 15, 7, 22, तो आपके पास कितने दिन है सिर्फ, अब मेरा कहना है 8 दिन है मिनट बुक में एंटर करने के लिए। ठीक है, क्या अब ये बात समझ में आ गई, अगर नहीं आए हो तो वापस बताना, फिर से बता दूंगा। ठीक है, अब एक और किसने कुछ भेजा है, एस जे मतलब ये कौन है, सिद्धि जैन। सर मान लो डायरेक्टर ने यहां का नेटवर्क कनेक्शन अच्छा नहीं था और वह अपनी साइड से कुछ बोल नहीं पाया, तो उसमें आप अब वो बोल रहा है वापस बोर्ड मीटिंग हेल्ड करो, तो आप क्या करेंगे। बेटा मेरी बात सुनना, अगर एक डायरेक्टर बोलना चाहता है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या आपके पास इक्विपमेंट नहीं थे, है ना, तो ये बोर्ड मीटिंग में वैलिड नहीं है, इसको आपको फिर से करवानी पड़ेगी, इसको आपको फिर से करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या, मोहम्मद अजहर खान कोई प्रश्न है क्या ये तुम्हारा। सर अगर कोई पर्सन अटेंड करता है तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी तो लीक हो सकती है। हाँ, बट है ना, इसीलिए सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि इनसाइडर ट्रेडिंग की जब इंफॉर्मेशन हो तो वो काफी क्या हो रही है, मिसयूज हो रही है। तो जो भी लोग एजेंसी वाले हैं जो उस समय उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रोसीजर को देख रहे होते हैं, उन लोगों को भी इस तरह का ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वी विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। ठीक है, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर है तो सेबी ने इस बात को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, तो ये बात तुम सही कह रहे हो, वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और, अनुष्का, सर 181C में बोरोइंग में क्या क्या आएगा टेम्प्ररी लोन को छोड़ के, बिकॉज शॉर्ट टर्म तो 12 मंथ के लिए भी होता है। नहीं बेटा, हम यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म लोन की बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट में, तो हम ये हमेशा 6 महीने से कम का ही मानेंगे। ठीक है, तो उसमें उसने क्या कहा, सुनना मेरी बात,
टेम्पररी लोन्स में हम डीम टू इंक्लूड कर रहे हैं। डीम टू मतलब क्या समझी? जब 181C को ध्यान से पढ़ेगी तो टेम्पररी लोन्स इंक्लूड शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज, करेक्ट, ये सब इंक्लूड होंगे। बट अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये 12 महीने के लिए है तो आप एक्सक्लूड करोगे, अदरवाइज आप उसको शामिल करोगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 12 महीने अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज हमेशा उसे शामिल करेंगे। एक बार पढ़ना वो प्रोविजन 181C का, टेम्पररी लोन्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो जरा, टेम्पररी लोन्स का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, जोर से पढ़ना। अब इतनी फटाफट करो जरा, एक्सप्लेनेशन में कहीं तो है कि टेम्पररी लोन्स में शॉर्ट टर्म और ये सब आएंगे अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऐसी कोई लाइन होगी वहां पे, होनी तो चाहिए मेरे को पूरा यकीन है। दो मिनट, यहां मैसेज आ रहे हैं, रुक जा। यस सर है, ठीक है फिर। टेम्पररी लोन्स एंड पेबल ऑन डिमांड विद इन 6 मंथ सच ए शॉर्ट टर्म, सच ए शॉर्ट टर्म के बाद भी कुछ लिखा होगा। सर जैसे आपने अपने एग्जाम्पल दिया था कि लोन में आरपीटी में नहीं होता, बट वो 185 में तो आएगा ना। हाँ तो 185 में प्रोहिबिटेड है तो देख लेना, ठीक है, नहीं है तो फिर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी लेना, ठीक है। प्रोहिबिटेड है तो मत करना, मतलब वो तो फॉलो करना ही है। सर सीसी लिमिट एंड एग्जांपल्स हैं, पर एक लाइन तो होनी चाहिए अनुष्का कहीं ना कहीं। बेटा बेयर एक्ट दे देगी ये, तुम तो पता नहीं कब के बताओगे मेरे को। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 समझा दो। खुशी शाह ये अलग से पूछना बेटा, तुझे जो प्रश्न समझना है वो पूरी क्लास को समझना होगा, ऐसा जरूरी है क्या? मुझे बात बता। तो यार यहां पे क्यों भेज रही है अभी, मतलब ये तो अलग से भेजना चाहिए ना कायदे से। नहीं गलत बोला तो तू बता दे। देखो मैं पेज नंबर 202 वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, क्लॉज सी वाला, एक्सप्लेनेशन वाला। For the purpose of this clause, expression temporary means loans repayable on demand or within free 6 months from the date of such loan, such as short-term CC, discounting or bill or other issue of other short-term loans of seasonal character. हाँ यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, other short-term loans of seasonal character. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, शॉर्ट टर्म सीसी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो जब तक अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ना हो कि ये 12 महीने वाले हैं या स्पेसिफिकली टाइम लिखा ना हो तो उनको शॉर्ट टर्म ही मानना एग्जाम में। उनको क्या मानना, शॉर्ट टर्म ही मानना, जब तक अगर लिखा हुआ ना हो ट्रीट देम एज अ शॉर्ट टर्म ओनली। ठीक है बरोबर, क्या वो वाला पॉइंट याद आएगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था ना कि अगर कैपिटल एक्सपेंसेस को फाइनेंस करने के लिए यूज कर रहे हो तो उसको शॉर्ट टर्म मतलब टेम्पररी लोन में मत लेना। क्या ये पढ़ा दिया था मैंने, मुझे याद तो है पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है तो उसको ध्यान में रखना, वो वाला पॉइंट IMP एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इट कुड बी देयर। ठीक है ठीक, खुशी शाह तेरा एग्जाम्पल, तेरा प्रश्न। अब कोई बाकी है क्या किसी के प्रश्न? ठीक है, मैं जा नहीं पाया, मुझे 3 मिनट का टाइम दो, बस पानी पी के आ रहा हूं, है ना। 7 बजे से कर रहे हैं शुरू।
गजब बात, क्या सोची है तुमने यार, तो इतना कितना अकल लगा रही बेटा। चलो खूब सोचा तूने। रिकॉर्डिंग बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग, जैसे वीडियो कैसेट देखते हैं ना पापा की शादी की। अरे सच में? हाँ मतलब पापा मम्मी की शादी की वो वाली रिकॉर्डिंग ऐसा। ठीक है। चलो करें शुरू। देखो 3 मिनट में, इतनी देर में थोड़े बहुत बच्चे चले गए। हाँ अनिंशिका पालीवाल सर, जैसे अगर किसी डायरेक्टर ने कैलेंडर ईयर की स्टार्टिंग में नहीं बताया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करेगा, लेकिन बोर्ड बोर्ड में कुछ अर्जेंसी का कारण से वो मीटिंग अटेंड करना चाहता है, तो फिर वो कर सकता है ना बेटा? उसको है ना कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इंश्योर करना है कि भैया वो रिजनेबली बता दे, बाकी कुछ नहीं होता है। पर्सनली सब तो आएंगे तो तुम भी पहुंच जाना, पर ऐसा भी हो सकता है ना सारे के सारे डायरेक्टर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहे हो, तो फिर कौन से प्लेस पे मिलेगा? तो वो एक प्लेस तो फिक्स कर ले ऐसा, तो जहां चेयरपर्सन बैठेगा वहां बाकी भी आके बैठ जाएंगे, तो जहां चेयरपर्सन करेगा वहां बुला लेंगे उसको, बस और क्या है, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं। अनुष्का पूछ रही है सर, गारंटी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोरोइंग राइट? प्रश्न किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है अनुष्का, थोड़ा सा मुझे समझाएगी तो मैं बता पाऊंगा बेहतर, है ना? बस हाँ ना बता दो। ठीक है, और बस ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं बच्चों, बोर्ड मीटिंग का नोटिस और एजेंडा। स्टार्ट विद द बोर्ड मीटिंग का नोटिस एंड एजेंडा। बताओ बोर्ड मीटिंग का नोटिस एक बार चेक कर लो, मॉड्यूल में दिख रहा है ना तुमको? मैंने तो देखा था, मुझे तो ध्यान है, एक बार सब मॉड्यूल में देख लो तो अपने अपने। बोर्ड मीटिंग का नोटिस बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में कहीं दिख रहा है क्या? एक बार देख लो। होना तो चाहिए, मेरे को ध्यान तो है, ऐसे क्या जबरदस्ती ना पढ़ा दूं, बस मैं यही सोच रहा हूं। अंशिका अनुष्का रुक जा, सोच के बताता हूं मैं। ठीक है क्या है, क्या 173 के 3 में है? ठीक है अनिकेत साहू, ठीक है। चलो अब अपन बना रहे हैं नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, गौर फरमाइएगा, बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड देखिए तो सही सर पहले। हो हाँ, सबसे पहला कंपनी का नाम, नेम शांति मंगलम फूड्स लिमिटेड जैसा अपन ने जनरल मीटिंग के नोटिस में लिखा था, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, फिर ईमेल आईडी, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सब आप यहां पर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट मतलब सीन, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये सारी बातें आप यहां पर लिख के देंगे। ठीक है, यहां पर आप लेटर हेड, ये समझ लो कि ये लेटर हेड पे दे रहे हैं, डेट, ठीक है, डेट ये लिख देंगे एक तरफ, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे टू, ठीक, टू कौन डायरेक्टर है मान लो, बना दें अपन मंथन राठौर को, हमारा मंथन बहुत खास है, मंथन राठौर, टू मंथन राठौर, आगे श्री लगा दें क्या तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, श्री मंथन राठौर डायरेक्टर। मंथन तेरी कंपनी का नाम क्या होगा?
डायरेक्टर एसएम फूड्स लिमिटेड, यही होगा क्योंकि कंपनी इसी वही लिखी हुई है, एसएम फूड्स लिमिटेड। मतलब पहली बात, जो भी बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा इट विल ऑलवेज बी गिवन इंडिविजुअली। कैसे दिया जाएगा? इंडिविजुअली, मतलब जैसे पत्रिका देते हैं ना इंडिविजुअली, ऐसे मत ऐसे नहीं दे सकते क्लास सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 बैच, ऐसा इनविटेशन नहीं दे सकता। अगर मान लो मैं पार्टी दूंगा सर मजाक मत करो, मान लो अगर मैं पार्टी दूं तो मुझे इनवाइट करना पड़ेगा इंडिविजुअली सबको। तो श्री मंथन राठौर स्टूडेंट क्लास सी एस एग्जीक्यूटिव, फिर मोहम्मद अजहर खान स्टूडेंट सी एस एग्जीक्यूटिव, ऐसा लिख कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे टू, श्री मंथन राठौर डायरेक्टर कम रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, ईमेल, ये सब। ठीक है, तो ध्यान रखना इंडिविजुअली। दूसरा, चाहो तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट नोटिस ऑफ। अब बताओ बोर्ड मीटिंग का सीरियल नंबर लिखना पड़ता है क्या? बोर्ड मीटिंग का सीरियल नंबर लिखना पड़ता है क्या? यस, सीरियल नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग, मतलब 11वीं, 11th, या एक काम करो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ये लिख दो, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, नोटिस ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अब अगर बहुत ही प्रिय हो जिन्हें जानते हो तो लिखना डियर सर, ठीक है, नहीं जानते हो तो लिखना रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड सर, कैसे डिसाइड करोगे? डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड सर, ठीक, जो भी आपको ठीक लगे वैसा। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, पूरा लिखना है, मैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग लिख रहा हूं, ऑफ द कंपनी इज टू बी हेल्ड ऑन एट 11 AM। टाइम को लेकर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, ऑन मंडे द फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेंबर 2022 एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड एट, पूरा लिखोगे, एड्रेस पूरा लिखा जाएगा, 303 ब्लॉक बी सिल्वर मॉल इंदौर। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या बता दिया? सीरियल नंबर बता दिया, टाइम बता दिया, डेट बता दिया, वेन्यू बता दिया, डे भी बता दिया। ठीक है, अब प्रश्न है क्यों बुला रहे हो? टू ट्रांजैक्ट बिजनेस गिवन इन द एजेंडा इनक्लोज्ड हियर विथ, जो एजेंडा मैंने इसके साथ इंक्लूड किया है उसमें यह दे रखा है, आप यह नोटिस लें, ये बात बोल दी। ठीक है, मतलब दूसरे पेज में एजेंडा दे देंगे। इसके अलावा अब आगे, और अब दो तरीके हैं। पहला तरीका ये लिख लो, यूअर्स, पहचानते हो तो यूअर्स कर देना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यूअर्स ट्रूली श्रेयांश जैन, कंपनी सेक्रेटरी, 2 मिनट लिख देता हूं अच्छे से, श्रेयांश जैन। ठीक है, साइन कर देना। ठीक है, बट एक लाइन और लिखी जा सकती है यहां पर, काइंडली मेक इट कन्वीनियंट
बाय अटेंडिंग दी मीटिंग। मीटिंग में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं, ये सुना है तुमने? प्रोग्राम में आकर, अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं, ये वही लाइन है। काइंडली मेक इट कन्वीनियंट बाय अटेंडिंग दी मीटिंग। इनक्लोज्ड हियर विथ, हियर विथ डब्ल्यू है ये, आई टी एच, ठीक है। तो काइंडली मेक इट कन्वीनियंट बाय अटेंडिंग द मीटिंग का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम में पधारकर सफल बनाए, भंडारे में, हाँ चाहो तो आप बखतगढ़ में तो हर प्रोग्राम में आते हैं, आओ धार पधारो धार, ऐसा कुछ लिख के लाइन लिख देती है, 15 अगस्त को आइए पधारिए, ऐसा कुछ, अधिक से अधिक संख्या में, बिल्कुल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, बिल्कुल। सब तुम ठेठ गांव के हो बच्चों, मेरे को लगता है मैं हूं बट तुम सभी हो। चलो खैर, ये तो नॉर्मल बात हो गई, बट मुझे ऐसा लगता है एक नोट और भी लिखना पड़ेगा। सर क्या? याद करो रूल नंबर 3 के सब रूल नंबर, रूल नंबर 3 के सब रूल 3 में एक पॉइंट था कि नोटिस में ये ऑप्शन देना पड़ेगा डायरेक्टर को कि वह चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो ये ऑप्शन कहां लिखा है? तो अब लिखो, ठीक है, नोट, डायरेक्टर मे अटेंड बोर्ड मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब्जेक्ट टू प्रायर इंटीमेशन टू चेयरपर्सन और कंपनी सेक्रेटरी, खत्म। ये तुम्हारा बोर्ड मीटिंग का नोटिस, समाप्त। अच्छा, इतना आसान है क्या सर? हाँ इतना ही आसान है, इतना ही आसान है सर। पार्टी छोड़ो, भंडारा ही करा दो बेटा, किसी का मजाक नहीं उड़ाते ऐसा। लास्ट पॉइंट जूम कर दो, सर समझ, अब समझ आया 12 में नोटिस राइटिंग क्यों पढ़ाते हैं। 12 में, 12 में नोटिस, अच्छा 12th में, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ मैं समझा ये प्रोविजन बोल रही, मैं क्या सेक्शन 12 में कहाँ है नोटिस, ठीक है क्या? अब इसको किसके नोटिस से मैच करोगे? मॉड्यूल के नोटिस से एक बार कंपेयर कर लो, चेक कर लो तो फटाफट, मॉड्यूल के नोटिस से एक बार चेक कर लो सर। ये करने के 4 नंबर मिल जाएंगे ना? हाँ हर्ष कलवानी, एक बार देख लेना मॉड्यूल से कुछ गलत लिखा हो मैंने तो बताओ मुझे। आगे बढ़ जाऊं? देखो ये बच्चे देख रहे हैं, अगर ये बोलेंगे अलग है तो समझ में आता है। सर मॉड्यूल गलत हो सकता है पर आप नहीं बेटा, ठीक है कंफर्म कर लें अभी, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर प्लेस डेट भी दिया है, प्लेस तो मैंने लिखा है ना, 303 ब्लॉक बी सिल्वर मॉल, डेट मैंने लिख दी है मॉड्यूल में, लास्ट में फॉर प्लेस डेट भी लिखा है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है।
सर नोटिस को और सजाना होगा? नहीं, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफी है। ठीक है सर, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग दोनों आएगा। बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है, जनरल मीटिंग किस्मत खराब रहे तो आएगा। अब चेक करो क्या एजेंडा भी है क्या तुम्हारे मॉड्यूल में, देखना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का एजेंडा भी होना चाहिए। मुझे ध्यान तो है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का एजेंडा भी होगा, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का एजेंडा है। ठीक है चलो करते हैं, बहुत आसान है ये भी। देखो सबसे पहले वापस से वही जानकारी लेटर हेड पे जाएगा, मतलब SM फूड्स लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेटेड आइडेंटिटी नंबर, फिर दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब। ठीक, ये एजेंडा है क्या? अरे यार केशव तोमर, कैसी बात कर दी तुमने, एजेंडा इसमें इसी में इंक्लूड एजेंडा जरूरत नहीं है, सिर्फ एजेंडा अलग से पूछा जाए तो ये बनाकर आना। ठीक है, एजेंडा अलग से पूछा जाए तो बनाकर आना, नोटिस पूछा जाए तो सिर्फ इतनी बात करके आ जाना, एजेंडा अलग से एंक्लोज करेंगे, मतलब एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोटिस पूछा जाए तो सिर्फ नोटिस बनाना है, एजेंडा नहीं, एजेंडा अलग से आए तो ये बनाकर आना। वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, ये है ना सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 खंड क्रमांक सी से उठा लेना बेटा। चलिए अब समझिएगा, यहां पर क्या लिखा जाएगा, एजेंडा ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, टू बी हेल्ड ऑन 1 सितंबर, यही तारीख लिखी थी ना, मंडे, टाइम क्या बताया था, at 11 AM एट रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड एट, ये सारी बातें लिखी जाएगी। एजेंडा ऑफ फर्स्ट वोटिंग टू बी हेल्ड ऑन, ये मिडिल में लिखा जाएगा। सिचुएटेड एट वही 303 ब्लॉक बी सिल्वर मॉल इंदौर, पिन कोड 45-2001, 45-2001। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, एजेंडा आइटम्स, ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सब नंबर बताए जाते हैं कि भैया कौन कौन से मामले क्या होंगे। हाँ कंटिन्यूएशन में लिखना है शुभी अग्रवाल, बिल्कुल कंटिन्यूएशन में लिखना है बेटा। ठीक है, आइटम नंबर मतलब कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे बोर्ड मीटिंग में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, अब कुछ ट्रांजैक्शन हो सकता है तुम्हें मॉड्यूल में ज़्यादा मिल जाए, कुछ कम मिल जाए, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेयर एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब जितना तुमने बेयर एक्ट कर रखा है उससे। ठीक है, दो पांच पॉइंट आगे भी बढ़ाए जा सकते हैं पर ये काफी होगा। सबसे पहले तू अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ दी बोर्ड मीटिंग, टू अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ दी बोर्ड मीटिंग, ये सबसे पहला पॉइंट होता है। ठीक, मिलकर हम डिसाइड करेंगे। दूसरा वैसे ये होता है कि प्रीवियस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को कंसिडर करते हैं अगली बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि तुम्हें बताया है बोर्ड मीटिंग के मिनट्स अगली बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं, बट चूंकि ये पहली है तो अपन प्रीवियस बोर्ड मीटिंग तो कुछ होगी नहीं, तो सिर्फ
टू अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड मीटिंग। दूसरा दूसरा, ये पहली बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होने वाली है? 30 दिन में वो वाली है, ठीक है, 30 डेज में जो होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा, टू टेक नोट ऑफ एमओए एओए एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस ऑफ द कंपनी। कुछ लोग अलग अलग भी बनाते हैं, मैंने एक साथ बना दिया, ठीक है। टू टेक नोट ऑफ एमओए पहला पॉइंट, टू टेक नोट ऑफ एओए दूसरा पॉइंट, तीसरा टू टेक नोट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, ये तीन, ठीक है। तीसरा, अब समझना, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। मुझे एक बात बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कितने दिन में करते हैं? फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में, करेक्ट। पहली बोर्ड मीटिंग भी इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन में? 30 दिन में। तो मैं पहली बोर्ड मीटिंग में रख लूं टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर? बोलो हाँ या ना, टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में होता है, और पहली बोर्ड मीटिंग भी इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में हो रही है, और फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी बोर्ड ही करता है, तो बोर्ड मीटिंग में कर लिया। टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर कहाँ से लाया मैं? 139 सबसेक्शन 6 से। मेरे हिसाब से यही है, एक बार चेक करते जाना। चौथा, टू टेक नोट ऑफ डिस्क्लोजर मेड अंडर 184 सबसेक्शन 1। क्यों क्यों साहब? क्योंकि 184 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जिस पहली बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है उसमें अपने इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर दे। तो बताओ, जो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे वो कौन सी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? पहली बोर्ड मीटिंग में। तो ये भी 184 के कारण ट्रांजैक्शन बनेगा, हाँ या ना? पांचवा, मुझे एक बात बताओ, शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू करने होते हैं इनकॉर्पोरेशन से? इनकॉर्पोरेशन से शेयर सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू करना पड़ते हैं? 56 सबसेक्शन 4 की बात कर रहा हूँ, 56 सबसेक्शन 4 की बात कर रहा हूं, 2 महीने का समय है। अन्य श्रीवास्तव, 2 मिनट हाँ बेटा, बताता हूं तुझे, चेक करो जरा, 2 महीने का समय है, हाँ या ना? 56 सबसेक्शन 4, इनकॉर्पोरेशन से 2 महीने में शेयर सर्टिफिकेट इश्यू होगा, और शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है मुस्कान मिश्रा? रिक्वायरमेंट है सेक्शन नंबर 46 के रूल नंबर 5 की। क्या कहा जाता है रूल नंबर 5 में? कि शेयर सर्टिफिकेट तभी इशू किया जाएगा जब बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ हो। जब क्या पास हुआ हो? बोर्ड रेजोल्यूशन। इसका मतलब 2 महीने में शेयर सर्टिफिकेट देना है, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करना है, तो ये 30वें दिन में जो बोर्ड मीटिंग रख रहा हूं इसी में रेजोल्यूशन पास कर दूं शेयर सर्टिफिकेट का। तो पांचवा, टू इश्यू शेयर, टू ऑथोराइज इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, या यू लिखूं सब्सक्राइबर्स, करेक्ट। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 महीने में शेयर सर्टिफिकेट तो देने हैं, ये बात तो तय है, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, तो पहली बोर्ड मीटिंग रख रहा हूं, तो भैती गंगा में हाथ धो लें, उसके लिए अलग से कहां बोर्ड मीटिंग रखेंगे, ठीक है। अब छठा पॉइंट,
ये रूल नंबर 5 है बच्चों, किसका? सब रूल 1 है, किसका? SH रूल्स का, चाहो तो चेक कर लेना। अब जब मैंने शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, ये बात तो मैंने डिसाइड कर दी और अथोराइज कर दिया कि भैया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दो, ठीक है, बट इनको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। टू अथोराइज प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये भी बोर्ड रेजोल्यूशन से ही होता है बच्चों। ये फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का एजेंडा है बच्चों, ये बिजनेस सेक्शंस के कारण हो रहे हैं, मैं मन से नहीं लिख रहा हूं। रूल नंबर 7 है, आपको नहीं पढ़ाया था, काम का नहीं है इसलिए, बट है ऐसा। रूल नंबर 7, अथोराइज प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, रूल नंबर 7 SH रूल्स। अथोराइज इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, रूल नंबर 5, क्यों? क्योंकि इश्यू करना है तो प्रिंटिंग तो करवाने ही पड़ेंगे, तो जब जब 5 आएगा तब तब 7 आएगा, ठीक है। डिस्क्लोजर देना है, फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। ये चार बिजनेस तुम्हारे हमेशा क्या होंगे बच्चों, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में होंगे। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब जो भी इनकॉर्पोरेशन के बाद की पहली बोर्ड मीटिंग होगी, ये चार बिजनेस इम्प्लाइड हैं। उसके बाद ये जनरली हम करते हैं, ये जनरली हम करते हैं, वैसे कोई बहुत खास चीज नहीं है। इसके अलावा अब मन से छापे जाओ, टू ओपन, टू ऑथोराइज, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, फालतू बात है, पहले ऐसा होता था पर आजकल क्या, बैंक अकाउंट स्पाइस प्लस से ही ओपन हो जाता है। किससे हो जाता है? स्पाइस प्लस से हो जाता है, तो अब इसकी इतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, तो ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। 60वां, टू अडॉप्ट कॉमन सील इफ एनी, इफ एनी मतलब जरूरी तो नहीं है पर अगर बना रहे हो तो अडॉप्ट करो, पर ये भी फालतू चीज है, अब इसकी वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। पर कुछ तो लिखना पड़ेंगे। 9वां पॉइंट सुनना, ये जो लिख रहा हूं ये खास है, टू अप्रूव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टू अप्रूव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू अप्रूव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वाला ध्यान रखना, ये IMP है, बाकी ये मन से छापाना, ठीक है। 10वां, टू नोट फर्स्ट डायरेक्टर्स, क्योंकि ये कहां से बन के आए हैं? AOA से, बोलो हाँ या ना, तो वह भी ठीक है, ये काफी है, ये काफी है। सर आपने जो एजेंडा में लिखा है वही लिखना है एग्जाम में? हाँ सार्थक शिंदे, अगर मॉड्यूल में 2-5 पॉइंट ज्यादा है तो या तो रट के जाओ, पर यहां पर मैंने थोड़े से रटवाए तो नहीं है, मैंने तुम्हें थोड़े से लॉजिक भी दिए हैं कि पहला वाला पॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर का डिस्क्लोजर होना ही है, ठीक है। दूसरा, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है, इसीलिए 56 का 4 2 महीने में बोलता है, तो रीजनिंग है उसके पीछे, जिनके पीछे रीजनिंग है वो मैंने बता दिए, ठीक है। और बाकी कुछ खास नहीं, MOA, AOA, रजिस्टर्ड ऑफिस, फर्स्ट डायरेक्टर, ये सब बातें ध्यान में रखनी है, चेक करो एक बार। तो आन्या श्रीवास्तव, हर बोर्ड मीटिंग का एजेंडा अलग अलग होता है, ये जनरली मैं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मेरे हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक बार देख लो। नहीं आएगा, फर्स्ट का ही आता, बहुत बोर्ड मीटिंग का तो प्रोफेशनल में भी नहीं आता, ठीक है। नमन दुबे, क्या मैंने जो बातें बताई थी वो कवर कर दी? हर्ष कलवानी, तू बहुत पूछ रहा था, रूल नंबर 3 आपने नहीं करवाया, रूल नंबर 3 मैंने करवा दिया। दूसरा, मैंने तुम्हें ओमनिबस अप्रूवल और समझा दिया, मुझे तो लगा था कि मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं एक बार और समझा दूं, पर अच्छा हुआ एक गलती हो रही थी वो भी सुधार गई, ठीक है। दो, और तीसरा मैंने क्या करवा दिया तुमको, बोर्ड मीटिंग का नोटिस और एजेंडा भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई सेक्शन बच रहा है तो बताओ।
मैं समझा नहीं कुसुम मूलचंदानी, एक बार बताएगी क्या बेटा? हाँ ठीक है, नहीं काम हो गया तो ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो गया ओमनी बस। ठीक है, अच्छा मैंने बोला था कि मैं शॉर्ट में लिखा दूंगा ओमनी बस, तो ओमनी बस तो लिखवा दिया था ना पहले, इसलिए फिर मैंने अलग से नहीं लिखवाया, पहले लिखवाया हुआ है, इसलिए जो जो समझा दिया एक बार और उसमें जो गलती थी वो भी सुधार लिया है। एक बार चेक करना, मिलेगा तुझे कॉपी में। ये बच्चे बोले इसीलिए, ठीक है। हाँ बट ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरा लिखवाऊंगा नहीं, मैंने क्रक्स में बता दिया, वैसे इतना कोई एग्जाम में आना नहीं है, पर जो क्या है कि अगर छोड़ूंगा तो तुमको ऐसा लगेगा कि छुटवा दिया, इसलिए और कुछ नहीं है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करने को भी आता है बेटा, देख किस्मत खराब हो तो आ सकता है, लेकिन मैंने एज सच बहुत साल हो गए पेपर में देखे नहीं है, बहुत साल है हो गए पेपर में देखे नहीं है, तो श्वेता इसकी रिस्क ली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे ध्यान रखना दो और में क्वेश्चन आएंगे, मतलब कभी ऐसा हो जाए ना तुमको कि भैया करना ही है, और में क्वेश्चन होंगे ऑप्शन में दो क्वेश्चंस के साथ, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है चलो, यहां पर मेरा ये वाला हिस्सा खत्म हुआ, एक बार मैं और चेक कर लूंगा, तुम लोग भी मॉड्यूल देख लेना बच्चों, कुछ छूट रहा है तो मुझे बताना, मेरे हिसाब से मैं कवर कर गया हूं। ठीक है, फिर भी कुछ बचे तो बता देना, मैं कवर करवा दूंगा। अब आगे बढ़ो बच्चों, हाँ सेंगर बिल्कुल ठीक है। 203 हो गया था, 196 हो गया, अब अपन बात कर रहे हैं 200 नहीं 197 की, दैट इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन सर उस दिन 203 आधा हुआ था, कलवानी मुझे लगता है पूरा हो गया था, एक बार चेक करना। मैंने तुम्हें कहा था कि स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ेगा ऑल डायरेक्टर्स को, प्रेजेंट की कंसेंट लगेगी, 6 महीने में फिल करवाना है, मेरे हिसाब से हो गया था, क्वेश्चन भी बता दिए थे, मैंने कहा वैकेंसी से प्रश्न आएगा, और ये 203 के सबसेक्शन 3 का थर्ड प्रोविजो एग्जाम में पूछा जाएगा, एक बार चेक कर लो, नहीं तो मैं वापस बता देता हूँ। सर ये नोटिस का क्वेश्चन कैसे आता है? सिर्फ ये बोल दिया जाएगा बेटा कि बिंगा कंपनी सेक्रेटरी मेक अ नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, और क्या, सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट, एक बार चेक कर लो। मेरी निखिल कलवानी से बात हो गई थी बेटा हर्ष, ठीक है उससे बात कर ली है, उससे बात हो गई। चलो अब बताओ, सबसे पहला पॉइंट सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि एक पब्लिक कंपनी कितना रेम्यूनरेशन के रूप में बांट सकती है, एक पब्लिक कंपनी कितना
प्रॉफिट रेम्यूनरेशन के रूप में बांट सकती है। तो पहला प्रश्न बनता है पब्लिक कंपनी के लिए अपने प्रॉफिट का 11%। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? एज पर सेक्शन 198, बट प्रायर टू डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन। करेक्ट है, ये बात ध्यान रखना, जिस प्रॉफिट का 11% आप बांटने की कोशिश कर रहे हो वह प्रायर टू डिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन होगा। रेम्यूनरेशन हटाने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसका 11% आप बांट सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया कि 11%। ठीक है, अब समझिए खास बात, इस 11% का बाइफरकेशन तुमको पूछा जा सकता है इन केस ऑफ कंपनी हैविंग प्रॉफिट। ठीक है, ये जो भी बात कर रहे हैं ना अपन, ये इन केस ऑफ कंपनी हैविंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये 11% भी इन केस ऑफ कंपनी हैविंग प्रॉफिट है, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग प्रॉफिट है 11%। ठीक है, इसका बाइफरकेशन मैंने तुम्हें तीन हिस्सों में करवाया था। एक पहला केस, कंपनी में सिर्फ एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर में से कोई एक ही है, कोई एक। दूसरा केस, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर एक से ज्यादा है। हो सकता है एमडी ज्यादा है, हो सकता है डब्ल्यूटीडी ज्यादा है, पर मैनेजर कभी भी एक से ज्यादा नहीं होते, मैनेजर कभी एक से ज्यादा नहीं होते। और तीसरा, नीदर एमडी नॉर डब्ल्यूटीडी नॉर मैनेजर एक भी नहीं है। तो मैंने तुम्हें सिखाया था जब तुम छोटे थे, तो अगर एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर एक ही है तो इसको मिलेगा 1%, नहीं इसको मिलेगा 5%। ठीक है, ये कौन है? एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर। करेक्ट है, और बाकी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आईडी, उनको मिलेगा 1%। एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर को कितना मिलेगा? 10%। ठीक है, टोटल इन एग्रीगेट इसको मिलेगा 1%। यहाँ कोई नहीं है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, पर इनको मिलेगा मैक्सिमम 3%। करेक्ट है क्या ये? बोलो बच्चों, हाँ या ना? हाँ या ना? प्रियांश नागर, इस परसेंटेज को तुम अगर बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, 5, 10, 1, 3 एज द केस मे बी, 5, 10, 1, 3 को तुम बढ़ाना चाहते हो, चाहे 11 की लिमिट क्रॉस हो या ना हो, हो या ना हो, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अब इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं चाहे 11 के लिमिट क्रॉस हो या ना हो। ध्यान से सुनना, बात खत्म नहीं हुई। बट अगर तुम ये रेम्यूनरेशन देना चाहते हो 5, 10, 1, 3 से ज्यादा, और आपका ऑलरेडी किसी प्रकार का डिफॉल्ट क्या है, सब्सिस्ट कर रहा है किसके? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर्स के, या शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, या पीएफआई के? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पीएफआई, या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का डिफॉल्ट सब्सिस्ट कर रहा है, तो इस एसआर से पहले इनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंपनी पैसा बढ़ाना चाहती है तो क्या उसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पीएफआई, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो जवाब होगा यस, हाँ इनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये तो कौन सा केस होगा जहां आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में हैं तो 11% बांट दो और इस तरह से डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस पूरी रेम्यूनरेशन में सब कुछ काउंट होगा लेकिन सिटिंग फीस काउंट नहीं होगी। ठीक है, बट इसके अलावा कुछ ऐसा और अमाउंट आगे मिलेगा जो काउंट नहीं होगा, बट सबसे पहला अमाउंट तो कौन सा काउंट नहीं होगा? सिटिंग फीस काउंट नहीं होगी, जो अपन ने 197 के 2 से पढ़ा है। बट मुझे बताओ, मैंने कुछ दो अमाउंट और बताए थे जो काउंट नहीं होते, कौन सा? 197 का सबसेक्शन 4 वाला अमाउंट, कौन सा? जो उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिया है।
जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिया है वो अमाउंट भी काउंट नहीं करते। इसके अलावा तीसरा एक और बताया था तुम्हें, 197 का सबसेक्शन 13, डी एंड ओ इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंश्योरेंस वाला पैसा। ये तीन पैसा मेरा कहना है आपकी रेमुनरेशन में काउंट नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया था कि इसे काउंट किया जा सकता है। कब? अगर तुमने कन्विक्शन हो गई तब। क्या हो गया? कन्विक्शन हो गई तब। ये मैंने पढ़ाया होगा बच्चों, मुझे पूरा ध्यान है, मैंने पढ़ाया होगा। हाँ, कन्विक्शन मतलब गिल्टी, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीन पैसे जो हैं वैसे तो काउंट नहीं होते हैं, सिटिंग फीस, प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड डीओ इंश्योरेंस। पर डीओ इंश्योरेंस को किया जा सकता है जब वह कन्विक्टेड पाया जाता है तब, ठीक है। तो यहां पर मेरा अभी तो मैंने सिर्फ 197 का 2 पढ़ाया है, फिर उसके बाद मैं 197 के 3 में आ गया और मैंने कहा कि अगर कंपनी में प्रॉफिट है ही नहीं, नो प्रॉफिट, या प्रॉफिट है लेकिन इनएडिक्वेट है, तो ऐसे केस में उसे जो भी रेमुनरेशन पे करना है, शेड्यूल 5 पार्ट 2 का सेक्शन 2 फॉलो करना है। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। मैंने बताया होगा ठीक है, मैंने इसके साथ नहीं पढ़ाया होगा, पार्ट 2 सेक्शन 2 इसके साथ ही कवर किया था क्या, इसी हेडिंग के साथ? अंदर का एक्सप्लेन तो बाद में किया होगा ना, शेड्यूल 5 पढ़ाते समय। हाँ, अलग से आएगा, आगे कराया था ठीक है। फिर बराबर 197.4, अब आपको रेम्युनरेशन मिल रहा है ठीक है। अब चाहे वो रेम्युनरेशन आपको प्रॉफिट है या नहीं है, कोई वास्ता नहीं है ठीक। वैसे तो कोई भी डायरेक्टर किसी भी कैपेसिटी में, कोई भी डायरेक्टर किसी भी कैपेसिटी में काम करता है, वो उसका रेम्युनरेशन उन सारे कामों के लिए है। जैसे एक ऑडिटर का रेम्युनरेशन ऑडिटर से रिलेटेड सारे कामों के लिए, अलग से तुम पैसा नहीं दोगे, याद है तुम्हें? और जो भी पैसा था वो लिख देते थे, याद करो मैंने 141 में पढ़ाया था एक ऑडिटर को, जो भी सर्विसेज वो ऑडिटर से रिलेटेड देता है उन सबका एक साथ पेमेंट दिया जाता है। अदर वो एक्सपेंडिचर अलग होते हैं जो बोर्ड ने रिकमेंडेशन पर, उनसे बोर्ड की रिक्वेस्ट पर ऑडिटर देता है। अदरवाइज 141 में नहीं, 142 में उसकी रेम्युनरेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू ऑडिट, चेक करो जरा, पढ़ाया होगा। तो प्रियांश नागर, अगर एक डायरेक्टर जितनी भी सर्विसेज देता है, जितनी भी सर्विसेज देता है ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिट से नहीं, एक डायरेक्टर जितनी भी सर्विस देता है अपनी डायरेक्टर की कैपेसिटी में, वह ध्यान रखना किसका पार्ट मानी जाएगी, उसके रेमुनरेशन का पार्ट मानी जाएगी, उससे अलग से कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। बट कुछ पैसा अगर उसे अलग से दिया जाता है तो वो अलाउड है, बस दो शर्तें पूरी हो, उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, एनआरसी या बोर्ड इस बात से सेटिस्फाइड हो कि हाँ इसके पास क्या है, क्वालिफिकेशन है ठीक है। ये बात ध्यान रखना 197 के 4 से। 197 के 5 से मैंने आपको कहा था कि सिटिंग फीस का पेमेंट एक डायरेक्टर को कितना किया जा सकता है, तो मैंने कहा था ₹1,00,000 पर मीटिंग ठीक है, बोलो हाँ या ना। बट मैंने कहा था ये अलग अलग डायरेक्टर के लिए अलग अलग रख सकते हो, बट आईडी के लिए और विमेन डायरेक्टर के लिए आप लोवेस्ट डायरेक्टर से कम का अमाउंट नहीं रखोगे, लोवेस्ट डायरेक्टर से कम का अमाउंट नहीं रखोगे। ये बात बताई थी 197 का 5, 5, 5, 5, 5, हाँ 5 ही है, और रूल नंबर 4 के साथ पढ़ा जाए, रूल नंबर 4 के साथ पढ़ा जाए, ये बात कही थी मुस्कान मिश्रा, चेक करना एक बार ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि सिटिंग फीस मैक्सिमम 1,00,000, इससे ज्यादा देने का कहीं प्रावधान नहीं है, इससे ज्यादा देने का कहीं प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, प्रोफेशनल कैपेसिटी की सर्विसेज का पैसा काम, सिटिंग फीस और प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला काउंट नहीं होगा। 197 का 6, मुझे एक बात बताओ, मैंने जब 149 का 9 तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने कहा था आईडी के लिए रेम्युनरेशन का तरीका तो बता रखा है कि भैया कैसे दोगे, सिटिंग फीस, दूसरा रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा
सिटिंग प्रॉफिट बेस्ड कमीशन, तीन तरीके से दे सकते हो, लेकिन ESOP नहीं दे सकते, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो आईडी के देने का तरीका तो हो गया 149 के 9 में, तो 197 के 6 में किसकी बात होगी? डायरेक्टर अदर देन आईडी, ठीक है, और इसके अलावा मैनेजर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, डायरेक्टर अदर देन आईडी एंड मैनेजर का रेमुनरेशन कैसे होगा? तो 197 के 6 में कहा गया कि आप मंथली सैलरी दे दो या प्रॉफिट बेस्ड कमीशन दे दो या फिर इनका कॉम्बिनेशन दे दो, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए। 197 का 7 कुसुम मूलचंदानी ओमिटेड है, क्योंकि ये रिपीटेशन था 149 के 9 का, तो उन्होंने यहाँ से हटा दिया, जबकि उन्हें वहां से हटाना था और यहाँ रहने देना था, पर मूर्खता का क्या ही बोलेंगे अपन, ठीक है। कैन इशू ESOP, ESOP इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्या बाकी डायरेक्टर को मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। स्वेट इक्विटी शेयर्स भी मिल सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स को ये समझना है कि भैया उसका रेम्यूनेशन का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी मिलते हैं। 197 का 8, 9, 10 एक साथ पढ़ाए थे, 8 में मैंने बताया था कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे तोशी जैन, तो मैंने बताया था प्रॉफिट 198 में कैलकुलेट होगा। 9 में बताया था कि अगर ज्यादा पैसा चला गया है आपसे, ठीक है, तो एक काम करो, या तो 2 सालों में रिकवर कर लो या फिर SR पास करो 2 सालों के अंदर। बट SR अगर तुमने पास किया हो, मतलब तुमने ज्यादा सैलरी दी है, तो अगर सबसिस्टिंग डिफॉल्ट हो तो किन का अप्रूवल फिर से लगेगा? वही सिक्योर्ड क्रेडिटर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका भी अप्रूवल लगेगा। बस 8, 9, 10 खत्म, ठीक है। तो 2 सालों में आप क्या करें, SR पास करके छोड़ दें, अदरवाइज रिकवर करें पैसा, ठीक है। SR के अलावा कौन सी रिक्वायरमेंट है ये भी बता दी। फिर सबसेक्शन 11, मैंने कहा था सबसेक्शन 11 तभी लगता है जब सबसेक्शन 3 लगा हो, चेक करना 197 का 3 जब लगा हो तो ही सबसेक्शन 11 लगता है, वरना नहीं लगता। 197 का सबसेक्शन 3 लगा हो तो ही 11 लगता है, ध्यान रखिएगा। तो 11 क्या कहता है कि अगर एक बार सबसेक्शन 3 लग गया, एक बार सबसेक्शन 3 लग गया मोक्षिता चतुर्वेदी, तो अगर आपको अब इंक्रीज भी करना है तो आपको शेड्यूल 5 के पार्ट 2 के सेक्शन 2 के अनुसार ही करना पड़ेगा। अब चाहे ये इंक्रीज किसी एग्रीमेंट के अनुसार हो रहा है, चाहे AOA के अनुसार हो रहा है, चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन के कारण हो रहा है, चाहे ये इंक्रीज मुझे कहना चाहिए कि जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन से हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। पर इंक्रीज करोगे तो क्या लगेगा, शेड्यूल 5 के अनुसार ही, पार्ट 2 के अनुसार इंक्रीज करोगे। क्लियर बात? मतलब सबसेक्शन 3 का और 5 का तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो शेड्यूल ही लिखना है, सबसेक्शन 3 और 5 का तो कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आई बात? 3 और 5 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपको शेड्यूल ही लिखना है, ठीक। उसके बाद अब पहुंच गए सबसेक्शन 12 में, IMP मार्क किया था मैंने इसको, IMP मार्क किया था मैंने इसको, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट याद करो। इसके मैंने आपको 3 हिस्से की बात कही थी, पर पढ़ाए सिर्फ 2 हिस्से होंगे, तीसरा मैंने कहा था सब रूल 3 नहीं पढ़ना, मतलब ये रूल नंबर 5 का सब रूल 1 है, ये 5 का सब रूल 2 है और ये 5 का सब रूल 3 है, 3 काट दिया था, 2 IMP मार्क करवाया था और 1 मैंने कहा था किस्मत खराब हो तो करके जाना। बोलो बच्चों क्या ठीक कह रिया हूं क्या? लीजा राठौर, श्रेया सोनी, नेहा बुचा, जानवी सोनी, सुदर्शन गुर्जर, क्या मौजूद हो तुम सब? सुदर्शन गुर्जर, 3 पूरा काट दें, हाँ सब रूल 3 पूरा काट दो सार्थक शिंदे, खुश हो जाओ यार, ठीक है। अमृता जैन, बताएं सब रूल 2 का क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जाम में क्या लिखा जाएगा? बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट, मतलब ये वही
बात है जो किसके लिए आईएमपी है, एनुअल रिपोर्ट में, बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट में मैंने बताए थे रूल। कुछ याद आया? कुछ याद आया क्या? मैंने बताया था वो एनुअल रिपोर्ट के चैप्टर में, मुझे ध्यान है, मैंने आपको सारे रूल्स बताए थे और मैंने कहा था कि ये आईएमपी है। जैसे मैंने आपको कहा था स्वेट इक्विटी का याद करना, जैसे मैंने कहा था इक्विटी विद डीवीआर का याद करना, मैंने इसके बाद आपको कहा था कि इसॉप का याद रखना। मुझे तो ध्यान है बच्चों, मुझे तो ध्यान है बिल्कुल। रूल नंबर 4, रूल नंबर 8, रूल नंबर 12, ठीक है, और इसके अलावा रूल नंबर 5। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ मैंने ध्यान है, मैंने पढ़ाया था एक बार एनुअल रिपोर्ट के चैप्टर में, चेक करना, मैंने डिस्कस किया था और मैंने कहा था ये तुम्हें ही याद करना है। मैंने सिर्फ डिस्कस किए थे क्योंकि एक एक क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपसे जितने भी थे क्वेश्चन मैंने तो सब डिस्कस किए हैं, बनाया तो पढ़ाया तो पूरा है रे बच्चों। मैंने MDAR के साथ, करेक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ। तो 5 के सब रूल 2 में 10 एम्प्लॉयज की सैलरी बताएंगे, टॉप 10 एम्प्लॉयज की सैलरी बताएंगे आप, टॉप 10 एम्प्लॉयज। इसके अलावा जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और पूरे फाइनेंशियल ईयर काम किया है, 1 करोड़ 2 लाख कमाता है या उससे ज्यादा, उसके बारे में बताएंगे। पूरे फाइनेंशियल ईयर काम नहीं किया बट ऑन एन एवरेज 8.5 लाख रुपए पर मंथ उसने कमाए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताओ। फिर उसके बाद जो MD नहीं है, WDD में नहीं है, मैनेजर नहीं है और 2% या उससे ज्यादा की इक्विटी शेयर्स रखता है खुद से या स्पाउस के साथ, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ, तथा MD WDD मैनेजर से ज्यादा कमाता भी है, कमाता भी है, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेक करो क्या ये बताए थे क्या, चेक करो ये बताए थे क्या। IMP है, ध्यान रखना, छपेगा क्वेश्चन। एम्प्लॉयज को लेकर क्या बताना पड़ता है, ठीक है, तो ये लिख के आना एग्जाम में। उसके बाद अर्पित गुप्ता अर्थात अर्पित कसुवाधन, कसुवाधन, ठीक है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी को और क्या लिखना है अपनी बोर्ड रिपोर्ट में, तो मैंने तुमको बताया था कि जो KMP है, KMP में कौन आता है, CS, CEO, CFO, ठीक है, MD, WDD, मैनेजर, इन सबका रेम्यूनरेशन, करेक्ट, परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन। फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन द मीडियन सैलरी एंड मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉई और परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपैरिजन आपको बताना है। फिर चौथा, आप जो रेमुनरेशन पे कर रहे हैं वो रेमुनरेशन पॉलिसी के अनुसार है। और पांचवा, एम्प्लॉयज़ का नाम आपके मस्टर रोल में लिखा हुआ है, ये बातें बताई थी, ज़रा चेक करो रूल नंबर 5 सब रूल 1, हाँ या ना। किस्मत खराब हुए तो ये भी देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बच्चा फिर पढ़ के जाएगा IMP, रीजंस ऑफ इंक्रीज, ठीक है, डन। तो यहां पर ये बात भी हो गई। 197 का 12, 197 का 13 मोस्ट एम्पी मार्क करना, छपता है बच्चों। क्या सिखाया था कि डायरेक्टर्स को लेकर या कंपनी सेक्रेटरी को लेकर या CEO को लेकर या CFO को लेकर, तो एक साथ लिखवा दिया होगा मैंने KMP को लेकर, एक साथ लिखवा दिया होगा मैंने KMP को लेकर, पर जब तुम बेयर एक्ट देखोगे ना तो तुम्हें सबके नाम अलग अलग मिलेंगे, सबके नाम अलग मिलेंगे, MD का नाम अलग, WDD का नाम अलग, CEO का नाम अलग, CFO का नाम अलग, मैनेजर का नाम अलग, CS का नाम अलग, पर मैंने सोचा कि एक साथ लिख देंगे तो शायद याद रह जाएगा। आपने भी अलग लिखाया है, अरे नहीं 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 पर ये बच्चे कह रहे हैं अलग अलग ही लिखवाया है, हाँ तो फिर अलग अलग लिखवाया होगा। पर ध्यान रखें इन ऑल इन्हें KMP कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, KMP। तो तनिष्क अदवानी 197 के 13 में लिख देंगे KMP। तो KMP को अगर रेमुनरे
के लिए अगर अपन ने क्या ले रखा है, इंश्योरेंस ले रखा है, तो ध्यान रखिएगा प्रीमियम का पेमेंट केएमपी की सैलरी में काउंट नहीं होगा, प्रीमियम का पेमेंट केएमपी की सैलरी में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कन्विक्टेड पाया जाता है तो फिर प्रीमियम के अमाउंट को रेमुनेशन में काउंट करेंगे, और इसका मतलब फिर आप चेक करोगे कि कहीं 1%, कहीं 3%, कहीं 5%, कहीं 10% से ज्यादा तो नहीं हो गई, और मान लो हो गई होगी तो वो तो पेड हो गया, तो अब क्या लग जाएगा, 2 सालों में एसआर पास करो या रिकवर करो, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कैसा? ऐसा कि भैया तुमने तो प्रीमियम पे कर दी, बाद में पता चला तो प्रीमियम को प्रॉफिट में उनकी रेमुनेशन में जोड़ा तो रेमुनेशन बढ़ गई। अब बढ़ गई तो क्या करेंगे, रिकवर करेंगे या फिर एसआर पास करेंगे? ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, आईएमपी मार्क करना। क्या ये प्रश्न समझ में आ गया क्या अंकित डांगी? अंकित डांगी, मतलब अगर क्वेश्चन में पता चला कि भैया इसको रेम्यूनरेशन हमने मतलब इसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया था, और बाद में पता चला कि ये तो कन्विक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा रेम्यूनरेशन पे हो गई। अब रेम्यूनरेशन पे हुई ज्यादा मतलब चेक करना, 1, 3, 5, 10 से कहीं ज्यादा तो, और ज्यादा हो गई होगी तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 सालों में एसआर पास करो, नहीं कर पाए तो रिकवर करो, और क्या, ठीक है, डिफॉल्ट हो तो अप्रूवल लगेगा उनका भी। हाँ या ना? अब आगे 197 के क्वेश्चन खत्म हो गए, बस इसके साथ शेड्यूल 5 का प्रश्न आएगा, बस और कोई प्रश्न नहीं आएगा। 197 के 5 के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, सिर्फ शेड्यूल 5 के प्रश्न बाकी हैं। 198 तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 199 पे आ जाओ, रिकवरी ऑफ एक्सेस अमाउंट। ठीक है, अब समझना, फ्रॉड के कारण या अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट किया गया, रीस्टेट किया गया मतलब कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 130, चेक करो 130 साथ में लिखा है, 14, 15, 16 नहीं करना है। हाँ सार्थक शिंदे, नहीं करना है, मैंने करवाए भी नहीं होंगे, कॉपी में चेक करना, मैंने करवाए भी नहीं होंगे 14, 15, 16। ठीक है, तो 199 क्या कहता है, अगर फ्रॉड या किसी और रीजन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट किया गया है और पता चलता है कि MD, WDD या मैनेजर या CEO, सुनना ये शब्द मिलेंगे, ये चार ध्यान रखना, यहाँ दिक्कत यही है कि कहाँ सारे डायरेक्टर आते हैं, KMP आते हैं, कहाँ कौन आता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 199 में MD, WDD, मैनेजर और CEO आते हैं, जबकि 197 के 13 में सारे KMP आते हैं, ये पता होना चाहिए। तो MD, WDD, मैनेजर या CEO के केस में समझिएगा, अगर इनकी गलती से इन्हें एक्सेस रेमुनरेशन पे हुआ है तो आप SR पास करके इसको वेव को छोड़ेंगे नहीं, आपको तो इसे रिकवर करना ही है, रिकवर करें, अगर ESOP दिए हैं तो वह भी रिकवर किए जाएंगे। 199 खत्म। 199 खत्म। चेक करो जरा, अनिकेत साहू देख ले एक बार, सार्थक शिंदे, अब सेक्शन नंबर 200 छोड़ देना, शायद मैंने करवाया भी नहीं होगा, 200 छोड़ देना, 201 कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी 196 में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसमें, MR2 में याद करो, तो उसकी एप्लीकेशन का तरीका क्या होगा, तो MR2 में एप्लीकेशन 90 डेज में की जाएगी, कितने दिन में की जाएगी, 90 डेज में ये एप्लीकेशन की जाएगी MR2 में, और उसमें ये भी लिखा है कि जो एडवर्टीजमेंट अपने को देना पड़ेगा मेंबर्स को, जनरल नोटिस, तो उस एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी MR2 में लगाई जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। इसके साथ मेरे हिसाब से 201 के साथ मैंने रूल नंबर 7 बताया होगा, 201 के साथ रूल नंबर 7 बताया होगा, तो आर्यन गुर्जर, 199 में एसआर भी पास नहीं कर सकते? हाँ बेटा, गलत को, फ्रॉड को तू कैसे सही कर सकता है बेटा, जैसे अल्ट्रा बायस होता है, है ना, बियॉन्ड दी पावर है, तो क्या उसे रेटिफाई कर पाते हो क्या, नहीं है ना, तो फ्रॉड पे कंसेंट देकर चीजें सही नहीं की जा सकती बच्चों, ठीक है।
सर इतना सारा आपको याद कैसे रहता है? क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूं, आई एम स्टिल स्टूडेंट एज यू यू आर एज यू आर आई एम स्टिल स्टूडेंट. मैं भी पढ़ रहा हूं अभी. मैं क्या पढ़ रहा हूं अभी? मैं भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहा हूं. अब BNS जो अब आने वाला है ना IPC की जगह. हाँ तो तुम्हारे एग्जाम एग्जाम हो जाए फिर मुझे बताना, मैं रिवाइज करवा दूंगा एक बार पढ़ के. और मैं इसके अलावा क्या पढ़ रहा हूँ अब पढ़ूंगा जैसे BNS खत्म होगा, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि जब तक आए तब तक मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो. मुझे लगता है फ़रवरी में आ जाएगा, तो बस पढ़ते पढ़ते आ जाता है ना. जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत IPC CRPC वो चेंज हो जाएगा. नहीं बेटा मेजरली नहीं, बट सेक्शंस चेंज हो जाएंगे ठीक है. और पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो जाएगा बेटा? BJP है वो रुकेगी क्या? मेजोरिटी है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, है ना. तो कहानी पक्का है, वो तो लेके आएंगे. उसका तो कोई, सर आप तो बादाम खाते हो, हाँ वो भी बखतगढ़ वाले ठीक है. चलो अब कहाँ पहुंच गए? 202 में IMP मार्क करना, 202 204 बस ठीक है. कल आखिरी लेक्चर है पार्ट बी को लेकर, कल आखिरी लेक्चर है पार्ट बी को लेकर. मतलब कल मैं CSR भी करवाऊंगा और मैं एनुअल रिटर्न और बोर्ड रिपोर्ट भी करवा दूंगा. परसों संडे, अब वैसे मेरा बखतगढ़ जाने का है पर शायद ही जाऊं, और अगर मैं नहीं गया तो मैं पूरा दिन लेकर पार्ट ए खत्म कर दूंगा परसों. परसों लगभग 8 घंटे की बैच लूंगा सुबह से, रात वात में नहीं क्योंकि नींद आती है. तो सुबह से लेकर शाम तक पार्ट ए खत्म, कंपनी लॉ समाप्त ठीक है. ऐसा अब देखते हैं. एक्चुअल क्या, मैं माफी चाहता हूँ, टीचर्स डे वाले दिन पढ़ाई यूं भी नहीं होती और कल जन्माष्टमी थी तो मेरे यहाँ राखी कल ही हुई है, तो इसलिए मैं ले नहीं पाया. वरना तुम लोग हमेशा ही प्रायोरिटी हो बच्चों. हाँ ये मन में भी मत आने देना कि सर की कर्मठता नहीं रही. अब 202 कंपनसेशन, पहली बात सिर्फ MD WDD और मैनेजर को ही कंपनसेशन दिया जा सकता है कंपनीज एक्ट में, और किसी को नहीं. सिर्फ MD WDD और मैनेजर को ही अनिकेत साहू कंपनसेशन दिया जा सकता है कंपनीज एक्ट में, और किसी भी डायरेक्टर को नहीं. ये सबसे बड़ी बात है. कब दिया जाएगा? जब भाई को हमने क्या कर दिया, रिटायरमेंट दे दिया. रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? उम्र खत्म होने के बाद नहीं, उससे पहले. उम्र खत्म होने के बाद जब जाते हैं ना तो उसे कहते हैं सुपर एन्यूएटेड. ये ग्रेचुटी एक्ट में पढ़ा होगा तुमने, ग्रेचुटी एक्ट में तुमने पढ़ा होगा ठीक है. तो रिटायरमेंट का मतलब है ऑफिस खत्म, मतलब उम्र खत्म होने से पहले ही किसी ने अलविदा कह दिया कि बस अब काम नहीं करना है ठीक है. या फिर लॉज ऑफ ऑफिस निकाल दिया ठीक है. वो इन दोनों केसेस में इनको पेमेंट किया जा सकता है. बट कुछ केसेस मैंने ऐसे बताए थे जहां ये पेमेंट नहीं होगा. पहला, जब वो खुद ही रिजाइन करके चला गया तो हम क्यों देंगे उसको. उस दूसरा, रिजाइन कर दिया उसने मेरी कंपनी से पर उसको नई कंपनी में जो कि अमालगमेटेड है या रिकंस्ट्रक्टेड है मैंने नई जॉब दे दी, तो भी कंपनसेशन किसी बात का नहीं दिया जाएगा ठीक है. तीसरा, अगर उसने 167 में ऑफिस वेकेट किया तो उसी की गलती थी तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा. चौथा, उसी की कारण कंपनी किस में चली गई, वाइंडिंग अप में, तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं देंगे. उसी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या फ्रॉड किया तो उसे कोई कंपनसेशन नहीं देंगे. छठा, वही इन्वोक करता है, इन्वोक तो नहीं बोलना चाहिए, प्रवोक करता है कि मुझे निकाल दो तो हम उसे कंपनसेशन नहीं देंगे. चेक करो
इन सब केसेस में कंपनसेशन नहीं दिया जाता। 75 की एज सुपर एन्यूएशन ऐसा नहीं होता बेटा, ये हर कंपनी में अलग अलग होती है, ठीक है। मैक्सिमम इट इज जनरली 60 साल होता है, 58 to 60 इज द एज जनरली, यही होती है ना सुपर एन्यूएशन की एज। फोर्थ वाला पॉइंट, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई कार्तिक खरे, इसी के कारण कंपनी वेंट इनटू वाइंडिंग अप, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या फ्रॉड किया है। रिजाइंड अदरवाइज इन क्लॉज ए, इसका मतलब क्या कि एक तो क्लॉज ए में आपने रिजाइन किया है और तोशी जैन आप नई कंपनी में चले गए, मतलब जो अमल कमीशन के बाद बनी या रिकंस्ट्रक्टेड बनी आप उस कंपनी में चले गए, ठीक है। रिजाइन करने के बाद आप किस कंपनी में चले गए, न्यू कंपनी में चले गए, तो आपको नहीं मिलेगा। या फिर रिजाइन आपने अदरवाइज देन अबो, मतलब नई कंपनी में जाने के लिए नहीं किया आपने, रिकंस्ट्रक्टेड या फिर अमाल गमेटेड कंपनी में जाने के लिए रिजाइन नहीं किया आपने, मन से रिजाइन किया, तो वो अदरवाइज देन इन क्लॉज ए होगा मेरे हिसाब से। मेरे पास डायरेक्ट नहीं है यहाँ पर मतलब मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ, पर यही होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए। अब एक और बात, सबसे खास बात यह है कि कंपनसेशन मिलेगा कितना, कंपनसेशन मिलेगा कितना, सुन लो इस बात को ध्यान से, कंपनसेशन कितना मिलेगा ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, हाउ मच कंपनसेशन इज टू बी पेड। तो पहले तो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस जो भी बाकी था रिटायरमेंट से पहले, मतलब सुपर एन्यूएशन से पहले चला गया तो जितना भी समय बाकी था, या फिर हमने निकाल दिया तो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, या 3 साल, विच एवर इज लोअर का कंपनसेशन मिलेगा। पर कंपनसेशन कैलकुलेट कैसे होगा, तो मैंने सिखाया था कि अगर 3 साल काम कर चुका है तो पिछले 3 साल की एवरेज सैलरी लेना, क्या लेना, 3 साल की एवरेज सैलरी। अमृता जैन, अनय धनगर, अनिकेत साहू, अंजनी रघुवंशी, अंशिका पालीवाल, अगर 3 साल काम कर चुका है तो पिछले 3 साल की एवरेज सैलरी लीजिएगा और कंपनसेशन दे दीजिएगा रिमेनिंग पीरियड या 3 साल विच एवर इज लोअर के लिए। पर अगर उसने 3 साल काम नहीं किया है तो जितने समय काम किया है उसकी एवरेज सैलरी लेना और कंपनसेशन दे देना। बोलो हाँ या ना, बस काफी है, मत पढ़ो आगे का, ठीक है। लिखा हुआ है आगे कि अगर डायरेक्टर को, मतलब जो कंट्रीब्यूशन को भी पैसा देने के लिए नहीं है तो हम किसको नहीं देंगे, डायरेक्टर को भी नहीं देंगे, अदर कैपेसिटी का पैसा है तो देंगे, बाकी फर्क नहीं पड़ता। तो 202 में ध्यान रखना, कंपनसेशन सिर्फ 3 को दिया जा सकता है, वो भी 2 केसेस में, और बाकी केसेस में, इन केसेस में हम कंपनसेशन नहीं देंगे, ये भी बता दिया था। कितना देंगे ये भी ध्यान रखना, MCQ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, और हो सकता है कल के टेस्ट में ही पूछ लिया जाए, कल के टेस्ट में ही पूछ लिया जाए, कल के MP का टेस्ट होगा, ठीक है। MCQ बन रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही MCQ में, ठीक है, और इकट्ठे कर रहा हूँ तो मैं दे दूंगा इकट्ठे करके, ठीक, बढ़िया बढ़िया। अब JIGL में है असली परीक्षा, तो MCQ की JIGL में बेटा, कंपनी लॉ में तो बहुत आसान है, कंपनी लॉ में तो तुमको पढ़ाई इतना रखा है मैंने कि तुम कर ही दोगे, भर भर के पढ़ाया है, कॉपियां भरी है, ठीक है। नहीं खुशी शाह, 1 लाइन का MCQ जरूरी नहीं है, JIGL में आए टफ भी आ सकते हैं, अपने को थोड़ा सा टफ के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। JIGL में थोड़ा सा टफ भी प्रिपेयर आ सकता है। अंशिका पालीवाल, खैर वो उस पहले टेस्ट में नहीं आएगा, कौन सा, वो जो जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना वैसे नहीं आएंगे, अलग आएंगे, ठीक है। सर टेस्ट के MCQ के आंसर मिल सकते हैं, हाँ सब मिल सकते हैं संडे को, पर नमन दुबे, सब संडे को दे दूंगा, ठीक है, संडे को सब दे दूंगा बेटा, कोई काम नहीं है संडे को, अगर बखतगढ़ नहीं गया तो, और चांसेस कम ही है बखतगढ़ जाने के, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बता दो, आर्यन गुर्जर, बहुत लंबा काम हो जाएगा यार ये तो, सिर्फ प्रोविजन याद कर ले, ठीक है, सिर्फ प्रोविजन याद कर ले, ये तो खाली परेशानी हो जाएगी, ठीक है, पर ठीक है देख लूंगा मैं, अगर हुआ तो रिकॉर्ड करके भेज दूंगा अलग से, ठीक है। केशव तोमर, एक आखिरी चीज है सेक्शन नंबर 204, चलो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और कल अपन पढ़ेंगे CSR प्लस अपन पढ़ेंगे एनुअल रिपोर्ट,
और बस बच्चों कल के बाद ये 40 मार्क आप ही संभालोगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस डाउट सॉल्व करूँगा आप। ठीक है, कुछ छूटा होगा तो एक बार मॉड्यूल से और देख लेना, मेरे हिसाब से कुछ छूट नहीं रहा है, पर कुछ भी छोड़ना मत, कुछ भी मत छोड़ना। बहुत तुमने तैयारी की है और ऐसी तैयारी का अगर फल नहीं मिले तो अखरेगा अपने को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सफिशिएंट टाइम है, बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आज के लिए सभा समाप्त करेंगे, कल के लिए तैयार रहते हैं, चलो।